बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राइट एंगल ईद स्पेशल। मैं हूं बैरिस्टर एहतिशाम उमीरुद्दीन। अमूमी तौर पर आपसे बड़ी संजीदा गुफ्तगू होती है सियासत पर, मईशत पर, समाजी मामलात पर, लेकिन आज क्योंकि ईद का मौका है और पुरमसरत मौका है, तो उस हवाले से मैंने सोचा है कि ईद के मौके के हवाले से हम कोई लाइट हार्टेड, हल्की फुल्की गुफ्तगू करें, और वो लोग जिनको नॉर्मली आप टेलीविजन स्क्रीन्स पर बड़ी संजीदा गुफ्तगू करते हुए देखते हैं और बड़े दकीक नुकात वो निकालते हैं आइन में से, कानून में से, उनकी जो लाइटर साइड ऑफ द पर्सनैलिटी है वो भी आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान है, बिलाशुबा पाकिस्तान के अगर मैं ये कहूं कि चोटी के जो वकील हैं उनमें उनका शुमार होता है तो इसमें कोई शक नहीं है, पाकिस्तान के बहुत बड़े वकील, शोभा वकालत का बहुत बड़ा नाम, जनाब इरफान कादिर साहब। सर बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू। इरफान कादिर साहब तो मेरे साथ हैं लेकिन आगे कुछ सरप्राइज है मेरे पास। नॉर्मली आपने इरफान कादिर साहब को देखा है टेलीविजन स्क्रीन्स पर गुफ्तगू करते हुए सियासत पर और कानूनी मामलात पर, लेकिन आज इनकी जो घरेलू जिंदगी है और पर्सनल एस्पेक्ट जो है इनका लाइफ का, उसके हवाले से बात करेंगे। लिहाजा हमने मिसेज इरफान कादिर को भी दावत दी है। मलिहा इरफान कादिर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। और क्योंकि इरफान कादिर साहब के साथ मलिहा इरफान कादिर साहिबा भी मौजूद हैं, तो मैंने सोचा कि मैं भी क्यों ना अपने बेटर हाफ को इनवाइट कर लूं, क्योंकि अगर मिसाल के तौर पर दो मर्द हो जाएं और एक खातून हो तो मेरे ख्याल में और किसी बात पे यहाँ पर हमारी आपस में डिबेट हो जाए, बहस हो जाए, तो वो फिर बैलेंस्ड टीम होनी चाहिए। लिहाजा मैंने आयशा एहतिशाम, जो कि वैसे अदरवाइज एंकर पर्सन है लेकिन मेरी वाइफ भी है, उनको भी दावत दी। आपका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच के लिए। शुरू करते हैं जी आपसे मलिहा साहिबा जी, ईद मुबारक। किस तरह ईद मनाती हैं जी? अच्छा, सबसे पहले तो ये होता है कि सुबह उठने पे मेरी और इरफान साहब की थोड़ी सी होती है टिफ, वो ये कि ही इज़ अ वेरी अर्ली राइजर और मैं ज़रा देर से सोकर उठती हूँ, तो इनका दिल होता है कि हम निकल जाएं मिलने के लिए रिश्तेदारों को, मेरी वालदा, इनके घर वालों को 11 बजे, और मेरी चाहत होती है कि हम 12:30 बजे निकले। तो इसके बाद बस तैयार होते हैं, मगर हम फिर इन बिटवीन आ जाते हैं, ना 11 ना 12:30, तो हम सेटल कर लेते कि 12 बजे निकले ईद वाले दिन। ईद वाले दिन, ठीक है। अच्छा जी, फिर हम पहले हम मेरे ससुराल वालों की तरफ जाते हैं, उनसे मुलाकात के बाद मेरी वालदा मिसेज जस्टिस असलम रियाज हुसैन साहिबा, फिर हम उधर जाते हैं और वहाँ हम उनके घर इकट्ठा। बल्कि बिफोर वी गो एनी फर्दर, मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा आप अपने फैमिली बैकग्राउंड के हवाले से बताइए, क्योंकि मुझे मालूम है आपके जो वालिद साहब थे जस्टिस असलम रियाज साहब, सीनियर जज रहे सुप्रीम कोर्ट के बहुत अर्सा, तो थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए। मेरी दादी जान बेगम सलमा तो सद्दुक हुसैन साहिबा, शी वर्क्ड फॉर मेकिंग ऑफ पाकिस्तान विद कायदे आजम मोहम्मद अली जिना साहब। अच्छा। तो शी इज अ वेरी वेल नोन पर्सनैलिटी, और उनकी एक ही औलाद थी मेरे वालिद, ही वॉज दी ओनली चाइल्ड। तो फिर जब सब जैसे आप बता रहे हैं, मेरे वालिद साहब वो माशाल्लाह, उन्होंने भी जुडिशरी के उसमें सिर्फ सुप्रीम कोर्ट नहीं, ही वॉज मोहतसिब आला, फेडरल मोहतसिब आला पाकिस्तान, ही वॉज गवर्नर पंजाब, एंड ही वॉज मतलब बहुत दफ़ा, लातादाद दफ़ा एक्टिंग चीफ जस्टिस, हमें गिनती भी नहीं रहती थी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो उनकी तो कोई ऐसी पोस्ट थी ही नहीं एहतिशाम जो कि उन्होंने जिसपे वो ना हो। जी इरफान कादिर साहब, कमिंग टू यू, थोड़ा सा आप भी बताइएगा ईद किस तरह से मनाते हैं और थोड़ा सा अपनी फैमिली, क्योंकि आपके जो वालिद, मेरी जो ईद है ना जी, आज थोड़ी सी डिफरेंट है। अच्छा। तो मैं कोशिश करूंगा कि आई शुड नॉट गेट वेरी इमोशनल, क्योंकि मेरी जो ईद थी आज से पहले, वो हम लुक फॉरवर्ड करते थे, वालदैन को मिलने जाते थे, तो ये पहली ईद है हमारी कि हमारे वालदैन जो हैं वो हमारे साथ नहीं है, लेकिन इसमें कोई दुख की या गम की बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि मैं बहुत लकी हूँ, और मेरे वालिद जो थे उनकी डेथ हुई 25 जुलाई 2018 को जी। वो 101 साल और 74 दिन के थे, हमारा बहुत लंबा साथ था, एंड नो रिग्रेट्स। मैं समझता हूँ कि मैं जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करूँ वो कम है, और इसी तरह मेरी वालदा जो थी वो 97 की थी, उनकी डेथ 2 सितंबर 2018 को हुई, तो वो एक चेंज जिंदगी का मुझे महसूस ज़रूर हो रहा है,
لیکن فیصلہ میں نے یہی کیا ہے کہ میں عید جو ہے بہت زیل اور زیسٹ کے ساتھ مناؤں گا، اور جیسے ہم ان کے ساتھ مناتے تھے ہم اب بھی ویسے ہی منائیں گے، تاکہ وہ جس جگہ پہنچ گئے ہیں جب وہ ہمیں خوش دیکھیں تو وہ بھی دوسری سائٹ پہ ان کو بھی ایک سکون اور خوشی ملے. تو انشاءاللہ میں لک فارورڈ کر رہا ہوں آج کی عید کا، اور مجھے خوشی ہے کہ میں آپ کے ساتھ یہ دن کا آغاز ہو رہا ہے، اور آپ ہمیں ناظرین کے ساتھ بھی آج انٹریکٹ کرنا پڑ رہا ہے. تو پہلے ہم صرف والد والدہ کے پاس ہوتے تھے، آج میرا خیال ہے ساری قوم ہمیں دیکھ رہی ہے، تو یہ بھی اللہ کا شکر ہے. اور اچھا آج کے دن کی ایک اور الگ بات بھی ہے احتشام، کہ آج عرفان قاری صاحب جو ہیں وہ ملیحا صاحبہ کے ساتھ سکرین شیئر کر رہے ہیں، تو میں میرے اندر کا بینکر جاگ رہا ہے، میں کچھ کر نہیں سکتی سوری اگر میں آپ کی جگہ لینے کی کوشش کر رہی ہوں. تو میں عرفان صاحب سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کیسا لگ رہا ہے سکرین شیئر کرنا بیگم صاحبہ کے ساتھ؟ جی میں سمجھتا ہوں بڑا اچھا لگ رہا ہے، اور میں بڑا مشکور ہوں احتشام صاحب کا اور ان کے چینل کا کہ انہوں نے آج ہم دونوں کو موقع دیا اور ہمیں اتنی عزت دی کہ ہم اس پروگرام میں آئے، تو بہت اچھا لگ رہا ہے. اور وہ بھی عید والے دن اتنے ہی دبنگ رہتے ہیں ملیحا صاحبہ کے ساتھ سکرین شیئر کرنے کے بعد بھی جتنے ویسے دبنگ ہوتے ہیں یا پھر ٹون ڈاؤن ہو جاتے ہیں؟ مجھے آپ کا بڑا ریلیونٹ سوال ہے، اور مجھے بہت سارے لوگوں نے پہلے بھی کئی دفعہ یہ سوال کیا. ایک تو سوال وہ یہ کرتے تھے کہ کورٹ کی بہت ساری ایسی پروسیڈنگس تھیں، ایک ایسے چیف جسٹس صاحب تھے جن کا میں نام نہیں لوں گا، وہ بھی ان اے وے میرے دوست ہی تھے، لیکن ڈفرینسز ہو جاتے ہیں زندگی میں، جیسے جب آپ آگے بڑھتے ہیں تو آپ کے کلیش آف انٹرسٹ کئی دفعہ ہو جاتا ہے. اس ساری چیز میں میں نہیں جاؤں گا، چونکہ عید کا شو ہے تو اسپیسیفکلی آپ کے سوال کی طرف میں جواب دیتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ گھر میں بالکل الٹ ہے، کہ میں اگر دبنگ ہوں گا تو وہ گھر سے باہر ہے، گھر کے اندر اگر کوئی دبنگ ہے تو وہ یہ اور ان کے آگے ہمارے گھر میں بالکل کوئی نہیں بولتا. اور مجھے کسی نے کہا تھا کہ آپ یہ جو بہت سارے جو لوگ ہیں جو کہ بڑا مشکل ہوتا ہے جن کو فیس کرنا، آپ اتنی آسانی سے ان کو کیسے فیس کر لیتے ہیں؟ تو میں ایک آن دا لائٹر سائڈ بات کر رہا ہوں، میری بیگم ناراض نہ ہو جائیں، تو میں اس کا یہی جواب دیتا ہوں کہ جنہوں نے ان کو فیس کر لیا، جس نے ان کے لیے کسی کو فیس کرنا، اس کے لیے کسی بھی سپریم کورٹ کے جج کو فیس کرنا کوئی مسئلہ نہیں، کسی چیف جسٹس کو بھی فیس کرنا مشکل نہیں ہے، چیف جسٹس کو بھی فیس کرنا کوئی مسئلہ نہیں. اتنی اچھی اچھی باتیں آپ احتشام کو سکھاتے ہیں، یہ بھی ٹپس دیا کریں اس حوالے سے. یہ میرا خیال ہے یہ بھی مقصد یہ تھا اس سوال کا، اصل مقصد بھی یہ تھا. دیکھ رہے ہیں کہ ضرورت نہیں ہے، یہ بالکل بہت ضرورت ہے. یہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے گا کہ احتشام کو خود بخود یہ سمجھ آ جائے گی. اس کا مطلب ہے مجھے پیشنٹ، اگر انہوں نے گھر میں امن رکھنا ہے، شانتی رکھنی ہے، تو پھر ایونچولی مرد جو ہے نا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سرنڈر کر دے. گھر ہوتا ہے، گھر عورت کا ہوتا ہے، گھر عورت. دیکھیں میں تو یہ گھر عورت، گھر عورت کا، خاتون خانہ جو ہوتی ہے نا، شی از دی ہوم منسٹر. تو اس وقت ہم دونوں تو کامنرز ہیں نا، یہاں پر دو منسٹرز بیٹھے ہیں، ایک کے پاس میرے گھر کی ہوم منسٹری اور ایک کے پاس. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی دو خوش قسمت ترین خواتین یہاں پر بیٹھی ہیں، کیونکہ ایک کے حصے میں عرفان قادر آیا اور دوسرے کے حصے میں احتشام امیر الدین. بالکل جی، میں مانتی ہوں، میں اس بات سے اگری نہیں کرتا کہ وہ خوش قسمت ترین ہے. میرا خیال ہے کہ ہم لوگ بھی بڑے خوش قسمت ہیں، ہم لوگ ویری گڈ. تو یہ جو آپ کی جو آپ کے اندر ایک میل شوونسٹ شاید، نہیں نہیں نہیں، میرے اندر میں تو کیونکہ ہمارا جو پاکستانی جو سوسائٹی ہے نا جی، وہ ارتقائی عمل سے گزر رہی ہے. آپ کا بچپن ایک فرق وقت تھا، ہمارا بچپن ایک فرق وقت تھا. ہمارے بچپن میں مجھے یاد ہے کہ حالانکہ میرے والد صاحب جو تھے بالکل وہ میل شوونسٹک نہیں تھے، لیکن والدہ جو تھیں ان کو بہت زیادہ لک فارورڈ بھی کرتی تھیں، اور ان کو کمپلیٹ وہ ہمیں جب ڈراتی تھیں تو کہتی تھیں کہ وہ اگر تم نے یہ شرارت کی تو پھر میں قادر صاحب کو بتا دوں گی. تو وہ والد کو ایک بہت اعلیٰ مقام پہ رکھا جاتا ہے بچوں کو ڈرانے کے لیے. لیکن ہم جب ہمارے بچے بڑے ہوئے ہیں اور ہم اس سٹیج سے گزرے ہیں، تو یہاں پہ ہم والدہ کو آگے رکھتے ہیں، اگر ڈرانا ہو تو ہم ان کو آگے کر دیتے ہیں. میرے خیال میں ہمارے گھر میں بھی یہی حساب ہے، کیونکہ میرے بچے ابھی بہت چھوٹے ہیں، لیکن آج تک ہارڈلی ایسا ہوا ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو کبھی ڈانٹا ہو، یا پھر مارنا تو بہت دور کی بات ہے. تو اگر میں نے بھی ان کو ڈرانا ہو کسی بات سے تو میں کہتا ہوں بیٹا اسی سے ڈرو جس سے میں ڈرتا ہوں. میرا بیٹا ایک دفعہ ہم امریکہ گئے ہوئے تھے، تو میرا بیٹا بہت چھوٹا تھا، 3-4 سال کا تھا، منیب. تو منیب اب تو بڑا ویل نون ہے، تو منیب نے بڑی شرارتیں شروع کر دی وہاں پہ. ہم
रास्ते जा रहे थे फ्लोरिडा, रास्ते में हम रुके और ये बहुत शरारतें कर रहे थे एक रेस्टोरेंट में, कंट्रोल में नहीं आ रहा था। तो मैंने उसको बस देखा और मैंने कहा कि देखो अगर आप ज़्यादा शरारत की तो फिर देखो पिटाई हो जाएगी तुम्हारी। उसने मुझे फ़ौरन कहा कि अच्छा तुम मुझे मारने की धमकी दे रहे हो, मैं अभी वो 911 को फोन करूंगा। अच्छा, और तब वो कितने साल का था? वो 3 साल का था। अच्छा, 3 साल का। I was shocked कि उसको 911 किसने बताया। तो जब मैंने पूछा तुम्हें किसने बताया 911 का, तो जो हमारे होस्ट हैं उनकी छोटी छोटी बेटियां थी तब, तो उनका नाम लेके उनमें से एक बेटी का कहने लगा मुझे उसने बताया। अच्छा, आपने मुनीब का जिक्र किया, मैं चाहूंगा अपने बच्चों के हवाले से थोड़ा सा आप बताइएगा, क्योंकि मुनीब को तो हमने देखा है, वो तो माशाल्लाह टेलीविजन पे खासतौर पर इंडियन न्यूज चैनल पाकिस्तान का बड़े भरपूर तरीके से दफा करते हैं। मुनीब के अलावा आपकी एक बेटी? मेरे हमारे माशाल्लाह 2 बच्चे हैं, माशाल्लाह माविश जो कि जिनकी की शादी हो चुकी हुई है, और मुनीब जो कि माशाल्लाह LLM करके आए हैं लंदन से, और वकालत भी है, न्यूज मीडिया में भी है, और ही इज अ राइटर बेसिकली, वो लिखते हैं, कॉलम लिखते हैं। वो सिर्फ लिखते नहीं है बल्कि वो उनमें एक मजबूबियत का भी एलिमेंट है, वो बहुत डूब के लिखते हैं, इतना डूब जाते हैं अपने लिखने में कि वो एक वाहिद मैंने शख्स देखा है जो कि जो भी काम करता है वो सिर्फ दिमाग से नहीं करता बल्कि दिलो दिमाग से करता है। तो ही पुट्स हिज हार्ट एंड सोल इनटू एनीथिंग दैट ही इज डूइंग। शादी को कितनी देर हो गई? 33 साल हो गए हैं, और नवंबर में माशाल्लाह 34 साल हो जाएंगे। तो चलें अब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मैं वापस आता हूँ। तो फिर 34 साल का ये जो सफर है इरफान कादिर साहब और मिसेज इरफान कादिर का, मलिहा इरफान कादिर साहब का, इसके हवाले से कुछ सवाल इनसे पूछेंगे और ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होगी। वेलकम बैक टू राइट एंगल ईद स्पेशल, और मेरे साथ इस वक्त इरफान कादिर साहब, मलिहा इरफान कादिर साहब और आयशा एहतिशाम, तीनों मेरे साथ हैं इस वक्त, और बड़ी मजेदार चिट चैट हो रही है, हल्की फुल्की गुफ्तगू हो रही है। इरफान कादिर साहब ने कभी ईद पे चांद रात पे जाकर चूड़ियां दिलवाई हैं आपको? कभी नहीं। कभी नहीं? कभी नहीं, कुछ भी नहीं दिलवाया। यहाँ पर तो फिर मेरे नंबर ज्यादा हैं। मैं नहीं जी, आपने भी कभी नहीं दिलवाया? एक आध दफा तो दिलवाई है। वो अच्छा, जोड़े दिलवाते हैं तो शाम, सच बोलिएगा। नहीं नहीं, वो जाके नहीं, आप जाके खुद लेके आए वैसे, लेकिन आप खुद ले आए। शॉपिंग वाला? शॉपिंग वाला सीन यहाँ भी, शॉपिंग वाला सीन नहीं है। जैसे कि मैं इनसे हर वक्त कहती हूँ कि कभी रोमांस कीजिए, हर वक्त लॉ, हर वक्त मीडिया, हर वक्त केसेस, तो वो आपकी जिंदगी बन गए हैं। आई एम नोबडी इन योर लाइफ, ये हमारा बड़ा चलता रहता है। चलिए इरफान, इरफान साहब, ये एक चीज है जो आपको एहतिशाम से सीखनी चाहिए। ये तो सीख देखिए, मेरा और एहतिशाम का एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। जैसे अभी ये कह रही थी कि हमारी शादी को 34 ईयर्स अब हो जाएंगे नवंबर में, आपके तो गिने चुने 3-4 साल हुए होंगे, 6 साल। तो देयर इज नो कंपैरिजन। आप जब 30 साल करेंगे, 30 को टच करेंगे या 25 को टच करेंगे। चले लेट मी फ्रेज दिस क्वेश्चन दिस वे, कि शादी के शुरू के 5-6 सालों में चूड़ियां दिलवाते थे आपको जाके? अब बताइए वो, मैं इनको कहती अब बताया नहीं, ये ठीक कहती है। मैं शुरू के जो साल थे ना जी, वो मेरे लॉ में स्ट्रगल के साल थे, और वो साल थे जब मुझे सुबह 7 बजे उठना पड़ता था। आई एम श्योर कि आप सुबह 7 बजे नहीं उठते होंगे। मैं सुबह 7 बजे उठता था और तकरीबन कोई 7:30, बल्कि कई दफ़ा तो मैं 6 बजे उठता था और 7 बजे आई यूज टू बी इन माय ऑफिस, और वह शुरू का 1-1.5 घंटा जो केसेस लगे होते थे उनकी फाइल्स वगैरह मैं अरेंज करता था, ताकि हर चीज़ जो है वो बिल्कुल सही तरीके से, ताकि मैं वहाँ कोर्ट में जब जाऊँ तो मैं फंबल ना करूं, या मुझे अगर कोई क्वेश्चन कोर्ट से पूछा गया तो मैं उसका क्विक रिस्पांस दूं। वो होमवर्क इतना ज़रूरी होता है वकील के लिए, और फिर लोगों के केसेस होते हैं जिसमें उनकी जिंदगियां, उनकी प्रॉपर्टीज, सब कुछ आपके आपकी परफॉर्मेंस पे उसका दारोमदार होता है। तो उस वजह से मुझे ऑब्वियसली, चूँकि मैं रातों को जल्दी सोना पड़ता था मुझे मजबूरी के तहत, मुझे तो बड़ा मज़ा आता था इनके साथ फिर के, मैं बड़ा इन्जॉय करता था, लेकिन मैं उस एंजॉयमेंट को कई दफा मैं क्रिटेल करता था और मैं जल्दी जाके कमरे में बंद अमरे मजबूरी आप ज्यादा मजबूरी नहीं दे पाते। उसका नुकसान जो था वो फिर उन लोगों को होना था जो बेचारे मुझ पे ट्रस्ट करते थे, जो मुझ पे रिलाय करते थे। और फायदा किसको हो रहा था? फायदा इनको हो रहा था, क्योंकि फीसें आप इनको ला के देते थे। बिल्कुल, इनको मुझे अभी तक याद है, ये खुद बताएंगे कि जो फीस मिलती थी मैं सीधा आता था इनको देता था, और फिर एक इन्होंने मखसूस जगह बनाई थी, मैं नहीं बताना चाहता सारे पाकिस्तान को ये पैसे कहाँ रखती थी, लेकिन अब बता भी देता हूँ क्योंकि अब वहाँ पे नहीं रखे जाते। इनके ना वो बालों के रोलर्स होते थे,
तो वो रोलर्स के नीचे वो पैसे रख दिया करती थी अपने अलमारी जो भी फीस आ रही है जो भी फीस आ रही है और वो वाला रोलर्स का डब्बा है वो कभी खाली नहीं होता था। मैं नहीं कहता कि बहुत पैसा आता था लेकिन वो कभी खाली नहीं होता था और हर वक्त भरा रहता था। और मुझे याद है जब पहली दफ़ा मेरी अपॉइंटमेंट हुई 87 में या 88 में एज एन असिस्टेंट एडवोकेट जनरल और जब पहले महीने में तनख्वाह आई तो एक दिन ये आंसुओं के साथ आके तो इन्होंने रोना शुरू कर दिया कि अब तो हम तनख्वाहदार हो गए हैं वो पहले की तरह तो मेरे रोलर्स जो अब नहीं भरे रहते मेरे तो खाली हो गए हैं। अच्छा एक और सवाल जो यकीनन बहुत सारे लोगों के माइंड में होगा माशाल्लाह इतना लवी डवी कपल आप देखने में लगे तो ये लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी? टोटली अरेंज। मैं कनेड कॉलेज का आखिरी पेपर दे के अप्लाइड साइकोलॉजी का जब कार में आई तो मेरी अम्मी ने वालदा ने कहा कि जैसा मेरे वालिद ने दिया हुआ है किसी कमिट किया हुआ है तो आपको रिश्ते वाले आज देखने के लिए आ रहे हैं। तो जी मैं मतलब कि पेपर दे के निकली तो मैंने कहा कि मैं तो अभी मंची तैयार ही नहीं हूँ। क्या थी आपकी तो? जी अभी 20 का मैंने होना था। अच्छा और कहाँ पढ़ी वाले जी? कहाँ पढ़ी? कनेड कॉलेज फॉर वुमन। बल्कि ये बीए का इम्तिहान दे रही थी। इम्तिहान मैं कह रहा ना अप्लाइड साइकोलॉजी का पेपर दे के निकली ही थी। मैंने कहा मैं तो तैयार 84 की बैच था और रिजल्ट 85 में था जी। तो मैंने अपनी वालदा को कहा कि मैं मेंटली भी प्रिपेयर नहीं हूँ और वैसे भी रिश्ते वालों के मैं तैयार नहीं हूँ मगर चलो। मैं मम्मी ने कहा कि नहीं तो वो तो आके बैठे हुए घर में। अच्छा जी तो जब मैं गई सबके सामने तो मैं ज़रा थोड़ी सी मेरा माइंड भी हिला हुआ था। तो इन्होंने जी कहा कि फैमिली ने कि हमें तो लड़की बड़ी पसंद आई है। तो मैंने इरफान से बाद में पूछा कि मैं पेपर दे के कनेड कॉलेज से आ रही हूँ टेंशन की हालत में आपको अच्छा क्या लगा था मेरे बारे में? नेचुरल ब्यूटी जी। अच्छा तो जब आपने पहली दफा मलिया साहिबा को देखा जी जी वॉज इट द लव एट फर्स्ट साइट? पहली नजर में मोहब्बत हो गई थी? नहीं इट वॉज नॉट अ लव एट फर्स्ट साइट बिकॉज हम शुरू में जानते नहीं थे एक दूसरे को। ये भी कॉलेज से आई थी इनके 12 बजे हुए उस वक्त और मुझे याद है वो बड़ी एम्बेरसिंग मोमेंट भी हो गई हमारे उस वक्त कि जब बड़े बैठे हुए थे सारे तो उन्होंने कहा हमें कहा कि जी जो यंगस्टर्स हैं वो साथ वाले कमरे में चले जाओ और हम साथ वाले कमरे में चले गए। आप दोनों चले गए? हम चले गए और हमारे जो और कजन थे दो कजन थे वो भी साथ चले गए। और अभी हमारी हमें पता था कि हमारी ये बात आगे चल सकती है बढ़ सकती है और मैं चूंकि बेसिकली आई वॉज एक्सट्रीमली शाय यू आर शाय ऑल्सो शाय लेकिन अब मैं बहुत ज्यादा शाय था। मैं इतना शाय था कि मच टू माई सरप्राइज इन दोज डेज वीडियो पे उनके पास बड़ा टीवी था उन दिनों में जो भी बड़ा मैक्सिमम होता था तो वो उनका बड़ा खूबसूरत उनका वो लाउंज था तो वहां पे एक बहुत ही रोमानवी फिल्म का एक रोमानवी सीन चल रहा था रोमियो एंड जूलियट। इट वाज इन्होंने ब्लश करना शुरू कर दिया एंड आई वाज वेरी शाय और इसलिए हमारी ज्यादा बात या गुफ्तो शनीद गुफ्तगु उस वक्त नहीं हो सकती। और जब हुई वी रिमेंड वेरी रिजर्व जब हुई फ्रेंडस हो गई तो फिर उन्होंने मुझे गाना सुनाया। अच्छा वो तो अभी हम भी सुनेंगे थोड़ी देर। अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। अच्छा क्या बात है ये मेरे ख्याल में ये नए पाकिस्तान आज एक्सप्लोर कर रहे हैं इरफान कादर साहब के कि वो कानून पे गौर करने की बजाय और भी बहुत सारी चीजों पे गौर करते हैं और गाने। मुझे जिस चीज का अफसोस है वो ये है कि मैं गाना दिल में गा सकता हूँ दिल में गुनगुना सकता हूँ ट्यून को फॉलो कर सकता हूँ लेकिन जब मैं मुंह खोल के गाना गाने की कोशिश करता हूँ तो वो ना तो सुनने वालों को अपीलिंग लगता है ना मुझे अपीलिंग लगता है। सही। अच्छा मलिया साहब आप मुझे ये बताइए कि उन्होंने तो बताया अपना एक्सपीरियंस जब उन्होंने पहली दफा आपको देखा आपने जब इरफान कादर साहब को पहली दफा देखा तो आपके दिल में क्या आया? अच्छा वही पेपर दे के आ रही थी अप्लाइड साइकोलॉजी कनेड से जो भी मेरा था सेंटर तो वही 12 बजे हुए थे मगर खैर देखना तो सबको ही होता है तो देखा और फिर हम जब दूसरे कमरे में गए तो रोमियो एंड जूलियट चल रही थी तो विच वॉज अ वेरी रोमांटिक मूवी। तो मुझे ये इसलिए पसंद आया कि शर्मीले हाँ मैं नहीं चाहती थी कि बहुत आउटस्पोकन मतलब बहुत आउटस्पोकन या लाउड हाँ या ओवर कॉन्फिडेंट शर्मीला ओवर कॉन्फिडेंट यानी शर्मीला बट ही इज वेरी कॉन्फिडेंट मैंने बनाया मेरी तो एक सौ थैलियां थी। आई एम अ वेरी ही इज वेरी कॉन्फिडेंट ऑन टेलीविजन ही इज वेरी कॉन्फिडेंट इन स्पोर्ट्स मेरी वजह। अच्छा ये तो किसी से बात ही नहीं करते थे मेरी सहेलियां 100 थी
पूरा कनेड कॉलेज हमारी जब शादी होने लगी तो उन्होंने कहा कि आफी भाई को बुलाओ, हमने उनको मेहंदी पे तंग करना है तो लड़का ज़रूर आए। तो जी लड़का आ गया। अब मेरी फ्रेंड्स ने शरारतने के लिए बड़ी चीज़ें तैयार की हुई थी कि रंग लगाएंगे, उपटन लगाएंगे, इनकी शक्ल को बिगाड़ देंगे। तो ये शर्मा रहे थे? नहीं, ये उनके काबू ही नहीं आ रहा था। अच्छा। ये भाग मेरे वालिद की उधर 54 मेन गुलबंग में हम रहते थे तो वो 12 कनाल का घर, इन्होंने जी इतना, ये उस दिन इनका प्लान था होली खेलने ठीक का। है, चले यहीं से गुफ्तगु स्टार्ट करेंगे, ब्रेक का टाइम। और ये एक सेकंड, ये होली खेलने का प्लान था और ये सब रंग भर के लाए थे, मुझे बताया नहीं था, मुझे कुछ नहीं पता था। उस दिन ना बहुत ही डार्क कलर का मरून, डार्क मरून कलर की शलवार कमीज पहन के पहुंच गया। इनका ख्याल था कि सफेद कपड़े पहनेगा तो रंग नजर आएंगे। तो इन एनी केस रेस्ट इज हिस्ट्री। चलें एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो फिर एक रैपिड फायर राउंड भी करना है और 34 साल के जो सफर है उसके हवाले से पूछेंगे कि एक ये जानने की कोशिश करेंगे कि कितना एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं। आफ्टर द ब्रेक वेलकम बैक टू राइट एंगल। वी आर इन कॉन्वर्सेशन विद मिस्टर एंड मिसेज इरफान कादिर। आयशा, एक रैपिड फायर राउंड करते हैं और ये देखते हैं कि 34 साल के सफर के बाद कितनी अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, एक और चीज मैं नोटिस करी थी तिशा, मुझे लग रहा है इनके केस में ऑपोजिट अट्रैक्ट वाला जो फॉर्मूला है ना वो पूरा लगता है। अच्छा, दोनों को एक दूसरे की वही चीजें पसंद आई जो वो खुद नहीं थे ना, जो खुद नहीं थे। शायद थे, कम बोलते थे तो उनका ज्यादा बोलना और कॉन्फिडेंट होना पसंद आया और ये बहुत ज्यादा अच्छा बोलती थी। तो ये मैं रौनक लगाती थी, गाने डांस ढोलकी वगैरह, तो ये बड़े महजूज होते थे। हाँ, अम्यूज मैंने उर्दू में कहा, ये देख के मेरी सारी शरारतें शोखियाँ, मतलब कोऑपरेटिव हस्बैंड। बल्कि मुझे जब आया था सियासत ज्वाइन करने की ऑफर तो ही वाज़ द फर्स्ट वन। अच्छा, आपको सियासत ज्वाइन करने की ऑफर आई थी? बिल्कुल। किससे? जी वो जब थी काफ लीग बन रही थी। अच्छा। जी तो वो जनरल मुशर्रफ ने नया किया था तो चौधरी शुजात हुसैन, मेरी दादी बेगम सलमा तो सदक हुसैन को और मेरे वालिद को बहुत अच्छे से जानते थे, चौधरी शुजात हुसैन पर सरदार साहब जरा क्योंकि यंग थे तो शुजात हुसैन साहब चाहते थे कि बेगम सलमा तसद्दुक की कोई लेगेसी आए और बेसिकली उन्होंने मेरी दादी ने ही मेरी परवरिश की थी और मुझे ट्रेन किया हुआ था उर्दू पर्शियन इंग्लिश सब मेरी दादी जी करती थी। अच्छा चलिए जी, अब थोड़ा सा रैपिड फायर करते हैं। अच्छा, दोनों में से कौन ज्यादा कहेंगे? मैं जी, ये अब बड़ा मुश्किल सवाल आपने पूछ लिया है क्योंकि आप खुद इनसे पूछे, मेरे सामने बैठी हुई हैं कि जब भी कभी हम एक दूसरे से दूर जाते हैं तो फोन कौन करता है? ये मैं करता हूँ। अच्छा। फिर मैं ज्यादा केयरिंग हुआ ना, तो यानी कि ये तो कभी नहीं करती। ठीक है, नहीं मगर मैं तो घर के मामले में, और ये इस हद तक केयरिंग जरूर है कि अगर मैं फोन ना करूँ कुछ दिन तो फिर चीखना शुरू कर देती है, तू मैंने फोन क्यों नहीं सीखा, क्यों नहीं पूछा, क्यों नहीं फोन किया तुमने मुझे। फिर उस वक्त ये इनको केयर एकदम याद आती है अगर मैं उनको फोन ना करूँ, लेकिन चूंकि पहले मैं करता हूँ, पहले हमेशा मैं करता हूँ, मेरा ख्याल है कि रिलेटिवली शायद थोड़ा चेंज आ गया है। अब चेंज आ गया है, इसलिए मैं कह रही हूँ, मैं जब ये नहीं होते तो मैं उदास हो जाती हूँ लिटरली। फिर ये कहते हैं आप मुझे फोन बहुत करती हैं, क्या मेरे पे शक करती हूँ? नहीं, शक मैं बिल्कुल नहीं करती, मैं मिस कर रही होती। मुझे कई दफा लगता है मेरा बहुत पीछा कर रही होती। ये देखा क्या वो कैसे लगता है आपको? ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, पीछे तो बताइए आपको। नहीं मतलब मुझे एकदम पूछेंगी, मैं अपने अगर ऑफिस में हूँ, किधर है आप? ऑफिस में क्या कर रहे हैं? अच्छा, अब ये क्या सवाल है कि ऑफिस में क्या कर रहे हैं? ऑफिस में इंसान क्या कर सकता है? ऑफिस में ऑफिस ही क्या काम होगा? ऑफिस में तो बहुत ज्यादा है, इसमें तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन इन हाजरा को देखा जाए ना, मैं इनकी चीज माइंड नहीं करता। इन अ वे मुझे इनर सेटिस्फेक्शन होती है कि ये ऑब्वियसली अपने खामन को कुछ समझती है ना, कि शायद ये कुछ यानी उनका ख्याल है कि यानी उनका स्कोप अभी भी है। हाँ, अभी है, अभी भी है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में फिर मैं भी हंस देता हूँ। अदरवाइज वैसे उस तरह से ये तंग नजर नहीं है। अच्छा, ये फेयरली लिबरल है, लेकिन अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन वो मैं करूंगी जी, आप पूछिए। हाँ जी, रोमांटिक कौन है ज्यादा? वो तो मैं। अच्छा जी, आप जी करते हैं। कॉन्सेप्ट जो है ना रोमांस के, बड़े हमारे डिफरेंट है। ये बचपन से इनको बहुत आदत थी मुख्तलिफ फिल्म देखने की,
और ये ज्यादा मशरकी फिल्में देखती हैं, खास तौर पे जो इंडियन हिंदी फिल्में जो है ना बॉलीवुड की मुद्दत से, तो इनकी जो रोमांस का कॉन्सेप्ट है वो बॉलीवुड बेस्ड है। मेरा जो रोमांस का कॉन्सेप्ट है वो उस तरह से फिल्मी फिल्मी रोमांस नहीं है, मैं प्योरली फिल्मी फिल्में एक्सप्रेसिव हैं, एक्सप्रेस करते हैं, इजहार मोहब्बत करते हैं, रीएश्योरेंस देते हैं। नहीं, मेरा ख्याल है कि मैं उस तरह से एक्सप्रेसिव नहीं हूँ, यहाँ ये ठीक कहती है, क्योंकि मुझे ये जो इजहार मोहब्बत वगैरह ये वो समहाउ जिंदगी में जब ये स्टेज आई तो हमारी शादी हो गई, आई वॉज क्वाइट यंग इन दैट कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि गोके इनसे तो मैं 8 साल बड़ा हूँ, लेकिन उसके बावजूद लेवल ऑफ मैच्योरिटी जो था इनका, वो ख्वातीन जो है वो जो लड़की हैं वो जल्दी मैच्योर करती हैं, लड़कों का औरत हमेशा ज्यादा तो जल्दी करती। रोमांस के लिए भी आपको एक मैच्योरिटी चाहिए, मुझ में शायद वो मैच्योरिटी थी भी नहीं। यानी कि इनकी जो रोमांस की डेफिनेशन है, तारीफ है, वो मुख्तलिफ है उससे जो कि आपकी रोमांस बस दिल में रखते हैं ना। मेरा रोमांस जो था ना ज्यादा वो इमेजिनेटिव था, बिल्कुल इजहार करना बहुत जरूरी है खवातीन के लिए, बताना बहुत जरूरी होता है। आप क्या? यस, मेरा भी एक ख्याल है, बताना बहुत जरूरी है, बताना कि भाई यू आर गुड, यू आर अच्छा, मेरे कुछ दोस्त प्यारे एंड इस कॉन्टेक्स्ट में फुल मार्क्स टू एहतिशाम कि वो एक्सप्रेस करते हैं। अच्छा, नहीं मैं फेसबुक पे भी देख रही हूं एहतिशाम जो ये देखो करते हैं, जो प्रेजेंट कंपनी है ना, ये जब मैं कोई बात करूंगा ना तो द प्रेजेंट कंपनी इज एक्सक्लूडेड, सो उस पर कोई मिसअंडरस्टैंड ना करे, लेकिन मेरे कुछ दोस्त थे जो कि बीवियों के साथ बहुत रोमांटिक बनते थे, एक दो बड़े मशहूर लोग हैं वो, तो आपने मुझे वाकया सुनाया है। तो बावजूद उस सारे आप मुझे उस कैटेगरी में ना डालिए, नहीं आप उस कैटेगरी, मैंने पहले ही कह दिया यू आर एक्सक्लूडेड, यू आर एक्सक्लूडेड, लेकिन वो जो बहुत ज्यादा ओवर होकर रोमांस करते थे या अपनी बेगमात से बहुत वो लवी डवी करने की कोशिश करते थे, वो मैंने देखा कि वो बहुत ज्यादा जो था वो पुट अप शो हुआ करता था, और वो सारे जो है उन्होंने अपनी पहली बेगमें जो है वो छोड़ दी, बाद में दूसरी शादियां उन्होंने की, तो इसलिए मैं उस रोमांस को कभी भी नहीं समझता था कि वो कुछ सॉलिड कोई किस्म का रोमांस so है, लेकिन आई डोंट से कि मेरे भी कॉन्सेप्ट सही हैं, मैं भी आहिस्ता आहिस्ता सीख रहा हूँ, जैसे माशाल्लाह आप बड़े रोमांटिक हैं, आप एक अच्छे आदमी हैं, तो कोई बुरी बात नहीं है, वन शुड बी एक्सप्रेसिव और होना भी चाहिए, लेकिन समहाउ इस मामले में मुझे जिंदगी में कभी मौका नहीं मिला कि मैं अपने आप देखिए, अगर मेरी बेगम को लगता है कि मैं रोमांटिक हूँ तो मुझे इस पर कोई एतराज नहीं है, एंड इफ शी इज हैप्पी अबाउट इट तो आई थिंक खवातीन को खुश रखने के लिए अगर आपको चंद जुमले कहने पड़े तो कह देने चाहिए इरफान साहब, उसमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन वक्त के साथ साथ मैंने इतना भी शायद नहीं होना चाहिए, इनकी बहुत सारी बातें जो है अगर मुझे नहीं भी एक्सेप्टेबल होती तो इनके सामने मैं फौरन मान जाता हूँ। ये है, चले जी अगला सवाल गुस्से से रिलेटेड है। गुस्सा कौन ज्यादा करते, इरफान था क्या? पहले दो सवालों पे बिल्कुल मैं और बिल्कुल फौरन, अभी तक मुझे लग रहा है कि जितनी पॉजिटिव ट्रेट्स हैं वो सारी आप में है, बिल्कुल, और जो नेगेटिव है वो उनमें। सही कह रहे हैं, ऐसे अच्छा वो ज्यादा गुस्सा, आप पे गुस्सा हुए कभी? गुस्सा था, कितना वाला लेवल क्या था गुस्से का? जैसे टीवी पे नहीं दिखा रहे होते इनको कैसे? नहीं मैंने टीवी पे तो इन्हें कभी गुस्सा देखा नहीं, बल्कि मैं आपको बताऊं, एक दफा मैंने इनका एक शो देख रहा था, उसके अंदर दूसरी साइड पर जो गेस्ट थे वो इनसे बहुत ज्यादा जातियात पर उतर गए और ऐसी बातें भी की जो कि दुरुस्त नहीं थी, जो अब मैं कोट नहीं करना चाहता, लेकिन ही वॉज टोटली काम एंड कंपोज्ड, इन्होंने तो गुस्सा किया ही नहीं। तो मैं यही इनसे कहती हूँ कि जैसे अब आप सीख गए हैं कि टेलीविजन पे गुस्सा करने वाले बुरे लोग होते हैं, गुस्सा टीवी पे नहीं, इश्ताल नहीं मचाना, मुझ पर भी ना किया करें, वैसे सीख जाए क्या जी? आप कह रही है ना कि अब आप सीख गए हैं कि टेलीविजन पे ना। वेलकम बैक टू राइट एंगल, वी आर इन कॉन्वर्सेशन विद मिस्टर एंड मिसेज इरफान कादिर। आयशा, एक रैपिड फायर राउंड करते हैं और ये देखते हैं कि 34 साल के सफर के बाद कितनी अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, एक और चीज मैं नोटिस करी थी तिशा, मुझे लग रहा है इनके केस में ऑपोजिट अट्रैक्ट वाला जो फॉर्मूला है ना वो पूरा लगता है। अच्छा, दोनों को एक दूसरे की वही चीजें पसंद आई जो वो खुद नहीं थे ना, जो खुद नहीं शायद थे, कम बोलते थे तो उनका ज्यादा बोलना और कॉन्फिडेंट होना पसंद आया, और ये बहुत ज्यादा अच्छा बोलती थी, तो ये मैं रौनक लगाती थी, गाने डांस ढोल की वारा, तो ये बड़े महजूज होते थे। अम्यूज होते थे, हाँ हाँ अम्यूज, मैंने उर्दू में कहा, ये देख के मेरी सारी शरारतें शोखियाँ, मतलब कोऑपरेटिव हस्बैंड, बल्कि मुझे जब आया था सियासत ज्वाइन करने की ऑफर तो ही वॉज द फर्स्ट वन। अच्छा, आपको सियासत ज्वाइन करने की ऑफर आई थी? बिल्कुल, किससे जी? वो जब काफ लीग बन रही थी जी, तो वो जनरल मुशर्रफ ने नया नया किया था, तो चौधरी शुजात हुसैन मेरी दादी
बेगम सलमा तो सदक हुसैन को और मेरे वालिद को बहुत अच्छे से जानते थे, चौधरी शुजात हुसैन पर। पीर सरदार साहब जरा क्योंकि यंग थे तो शुजात हुसैन साहब चाहते थे कि बेगम सलमा तो सदक की कोई लेगेसी आए, और बेसिकली उन्होंने मेरी दादी ने ही मेरी परवरिश की थी और मुझे ट्रेन किया हुआ था, उर्दू पर्शियन इंग्लिश सब मेरी दादी जी करती थी। अच्छा चलिए जी, अब थोड़ा सा रैपिड फायर करते हैं। अच्छा, दोनों में से कौन ज्यादा केयरिंग है? मैं जी। ये अब बड़ा मुश्किल सवाल आपने पूछ लिया है, क्योंकि आप खुद इनसे पूछे, मेरे सामने बैठी हुई हैं, कि जब भी कभी हम एक दूसरे से दूर जाते हैं तो फोन कौन करता है? ये मैं करता हूँ। अच्छा। फिर मैं ज्यादा केयरिंग हुआ ना, तो यानी कि आप ये तो कभी नहीं करती। ठीक है, नहीं मगर मैं तो घर के मामले में, और ये इस हद तक केयरिंग जरूर है कि अगर मैं फोन ना करूं कुछ दिन तो फिर चीखना शुरू कर देती है कि तू मैंने फोन क्यों नहीं किया, क्यों नहीं पूछा, क्यों नहीं फोन किया तुमने मुझे। फिर उस वक्त ये उस वक्त उनको केयर एकदम याद आती है अगर मैं उनको फोन ना करूं, लेकिन चूंकि पहले मैं करता हूं, पहले हमेशा मैं करता हूं, मेरा ख्याल है कि रिलेटिवली शायद थोड़ा चेंज आ गया, अब चेंज आ गया, इसलिए मैं कह रही हूं मैं जब ये नहीं होते तो मैं उदास हो जाती हूँ लिटरली। फिर ये कहते हैं आप मुझे फोन बहुत करती हैं, क्या मेरे पे शक करती हो? मैं नहीं, शक मैं बिल्कुल नहीं करती, मैं मिस कर रही होती। मुझे कई दफा लगता है मेरा बहुत पीछा कर रही होती। ये देखा वो कैसे लगता है आपको? ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, पीछे तो लगता है आपको? नहीं मतलब मुझे एकदम पूछेंगी, मैं अपने अगर ऑफिस में हूँ, किधर है आप? ऑफिस में क्या कर रहे हैं? अब ये क्या सवाल है कि ऑफिस में क्या कर रहे हैं? ऑफिस में इंसान क्या कर सकता है? ऑफिस में ऑफिस ही क्या काम होगा? तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन इन मैं इनकी चीज माइंड नहीं करता। इन अ वे मुझे इनर सेटिस्फेक्शन होती है कि ये ऑब्वियसली अपने खामन को कुछ समझती है ना, कि शायद ये कुछ यानी उनका ख्याल है कि यानी उनका स्कोप अभी भी है, अभी भी है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में फिर मैं भी हंस देता हूँ। अदरवाइज वैसे उस तरह से ये तंग नजर नहीं है। अच्छा, ये फेयरली लिबरल है, लेकिन अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन वो मैं करूंगी जी, आप पूछिए। हाँ जी, रोमांटिक कौन है ज्यादा? वो तो मैं। अच्छा जी, आप जी अग्री करते हैं। कॉन्सेप्ट जो है ना रोमांस के, बड़े हमारे डिफरेंट है। ये बचपन से इनको बहुत आदत थी मुख्तलिफ फिल्म देखने की, और ये ज्यादा मशरकी फिल्में देखती हैं, खास तौर पे जो इंडियन हिंदी फिल्में जो है ना बॉलीवुड की मुद्दत से। तो इनकी जो रोमांस का कॉन्सेप्ट है वो बॉलीवुड बेस्ड है। मेरा जो रोमांस का कॉन्सेप्ट है वो उस तरह से फिल्मी रोमांस नहीं है, साख्ता इनका। मैं प्योरली फिल्में एक्सप्रेसिव है, एक्सप्रेस करते हैं, इजहार मोहब्बत करते हैं, रीएश्योरेंस देते हैं। नहीं, मेरा ख्याल है कि मैं उस तरह से एक्सप्रेसिव नहीं हूँ, यहाँ ये ठीक कहती है, क्योंकि मुझे ये जो इजहार मोहब्बत वगैरह ये वो समहाउ जिंदगी में जब ये स्टेज आई तो हमारी शादी हो गई। आई वॉज क्वाइट यंग इन दैट कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि इनसे तो मैं 8 साल बड़ा हूँ, लेकिन उसके बावजूद लेवल ऑफ मैच्योरिटी जो था इनका, वो खवातीन जो है, वो जो लड़कियां हैं वो जल्दी मैच्योर करती हैं, लड़कों को औरत हमेशा ज्यादा तो जल्दी करती है। रोमांस के लिए भी आपको एक मैच्योरिटी चाहिए, मुझ में शायद वो मैच्योरिटी थी भी नहीं। यानी कि इनकी जो रोमांस की डेफिनेशन है, तारीफ है, वो मुख्तलिफ है उससे जो कि आपकी रोमांस बस ये दिल में रखते हैं ना। मेरा रोमांस जो था ना ज्यादा वो इमेजिनेटिव था, बहुत हार करना बहुत जरूरी है खवातीन के लिए, बताना बहुत जरूरी होता है। आप क्या? मेरा भी ख्याल है बताना, अगले को बताना कि भाई यू आर गुड, यू आर अच्छा, मेरे कुछ दोस्त प्यारे हैं, एंड इस कॉन्टेक्स्ट में फुल मार्क्स हुए थे शाम के, वो एक्सप्रेस करते हैं। अच्छा, नहीं मैं फेसबुक पे देख रही हूं शाम जो ये देखें करते हैं, जो प्रेजेंट कंपनी है ना, ये जब मैं कोई बात करूंगा ना तो द प्रेजेंट कंपनी इज एक्सक्लूडेड, सो उस पर कोई मिसअंडरस्टैंड ना करे। लेकिन मेरे कुछ दोस्त थे जो कि बीवियों के साथ बहुत रोमांटिक बनते थे, एक दो बड़े मशहूर लोग हैं वो, तो आपने मुझे वाकया सुनाया है। तो बावजूद उस सारे, मुझे उस कैटेगरी में ना डालिए। नहीं, आप उस कैटेगरी, मैंने पहले ही कह दिया है यू आर एक्सक्लूडेड। लेकिन वो जो बहुत ज्यादा ओवर होकर रोमांस करते थे या अपनी बेगमात से बहुत वो लवी डवी करने की कोशिश करते थे, वो मैंने देखा कि वो बहुत ज्यादा जो था वो पुट अप शो हुआ करता था, और वो सारे जो है उन्होंने अपनी पहली बेगमें जो है वो छोड़ दी, बाद में दूसरी शादियां उन्होंने की। तो इसलिए मैं उस रोमांस को कभी भी नहीं समझता था कि वो कुछ सॉलिड कोई किस्म का रोमांस है। लेकिन आई डोंट से कि मेरे भी कॉन्सेप्ट सही हैं, मैं भी आहिस्ता आहिस्ता सीख रहा हूँ। जैसे माशाल्लाह आप बड़े रोमांटिक हैं, आप एक अच्छे आदमी हैं, तो कोई बुरी बात नहीं है, वन शुड बी एक्सप्रेसिव।
और होना भी चाहिए, लेकिन somehow इस मामले में मुझे जिंदगी में कभी मौका नहीं मिला कि मैं अपने आप देखिए, अगर मेरी बेगम को लगता है कि मैं रोमांटिक हूँ तो मुझे इस पर कोई एतराज नहीं है, एंड इफ शी इज हैप्पी अबाउट इट तो आई थिंक खवातीन को खुश रखने के लिए अगर आपको चंद जुमले कहने पड़े तो कह देने चाहिए इरफान साहब, उसमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन वक्त के साथ साथ मैंने इतना भी शाय नहीं होना चाहिए, इनकी बहुत सारी बातें जो है अगर मुझे नहीं भी एक्सेप्टेबल होती तो इनके सामने मैं फौरन मान जाता हूँ। ये है चले जी, अगला सवाल गुस्से से रिलेटेड है। गुस्सा कौन ज्यादा करते, इरफान साहब पहले दो सवालों पे बिल्कुल मैं और बिल्कुल फौरन, अभी तक मुझे लग रहा है कि जितनी पॉजिटिव ट्रेट्स हैं वो सारी आप में है बिल्कुल, और जो नेगेटिव है वो उनमें। सही कह रहे हैं ऐसे। अच्छा वो ज्यादा आप पे गुस्सा, आप पे गुस्सा हुए कभी? गुस्सा था कितना कितना वाला लेवल क्या था गुस्से का? जैसे टीवी पे नहीं दिखा रहे होते इनको कैसे? नहीं मैंने टीवी पे तो इन्हें कभी गुस्सा नहीं करते। मैं आपको बताऊं, एक दफा मैंने इनका एक शो देख रहा था, उसके अंदर दूसरी साइड पर जो गेस्ट थे वो इनसे बहुत ज्यादा जातियात पर उतर गए और ऐसी बातें भी की जो कि दुरुस्त नहीं थी। हाँ, जो अब मैं कोट नहीं करना चाहता, लेकिन ही वॉज टोटली काम एंड कंपोस्ट, इन्होंने तो गुस्सा किया ही नहीं। तो मैं यही इनसे कहती हूँ कि जैसे अब आप सीख गए हैं कि टेलीविजन पे गुस्सा करने वाले बुरे लोग होते हैं, गुस्सा टीवी पे नहीं, इश्ताल नहीं मचाना, मुझ पर भी ना किया करें, वैसे सीख जाए। क्या जी आप कह रही है ना कि अब आप सीख गए हैं कि टेलीविजन पे ना करें तो घर में भी ना, घर में भी नहीं करना, घर में गुस्सा करते हैं ये इन्होंने। मैं नहीं कहता कि ये गलत कह रही है, डेफिनेटली इन्होंने मेरा गुस्सा देखा होगा और अपने पॉइंट ऑफ व्यू से वो बात कर रही हैं, लेकिन मैं इनसे ये पूछ रहा हूँ कि वक्त के साथ साथ कोई मेरा गुस्सा उतना ही रहा या उसमें कमी आई? कमी आई। अब मैं इसका जवाब मैं देता हूँ, कमी क्यों आई? कमी इसलिए आई कि जब मैंने इनका गुस्सा देखा ना तो मुझे अपना गुस्सा भूल गया और फिर मैंने गुस्सा करना छोड़ दिया और शायद वक्त के साथ साथ ये वो वाला इरफान कादर बन गई जो शुरू में था और मैं शायद वो शख्स बन गया, मलिया बन गया जिसने कि अपना गुस्सा जो है, यानी कि बकौल आपके इनको ज्यादा गुस्सा आता है और बकौल आपके इनको ज्यादा गुस्सा आता है। नहीं, आई थिंक ओवर द इयर्स वी हैव मेलोड डाउन एंड वी हैव आल्सो सिमुलेटेड इन टू ईच अदर, कि दोनों एक दूसरे की चीजें जो है ना लेते हैं एक दूसरे से, कि आपको पता लगना शुरू होता है कि मेरी लिमिट्स क्या है। अच्छा, जहां तक आप दोनों का ताल्लुक है, आयशा को ज्यादा गुस्सा आता है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ये, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सफेद झूठ है ये तो। मैं इनको इतना पसंद करती हूँ ये बिल्कुल। वैसे मैं यहाँ पे ना वेरी माइंड वेरी, आपने तो हर जगह पे मुझसे इख्तलाफ किया, प्लीज प्लीज प्लीज, तो मेरी तो इस जगह पे भी करने दीजिए, अगर आप सिर्फ मौका दें बात करने का, मैं बिल्कुल आपके खिलाफ नहीं हूँ, मुझे बड़े पसंद है, इनफेक्ट आप बहुत अच्छे एक एंकर पर्सन है, सब कुछ है, लेकिन मैंने बहुत सारे प्रोग्राम्स आपके भी देखे, आपके साथ प्रोग्राम्स भी किए, आयशा के साथ भी किए, लेकिन कभी कभी मैंने प्रोग्राम्स में आपको गुस्सा करते देखा और उनको मैंने कभी गुस्सा करते नहीं देखा। मैं आपसे पूछता हूँ ये बात दुरुस्त है? नहीं, ये बात दुरुस्त है, तो बस ये मैं कह रहा हूँ, ये बात है तक ये, मैं ये, ये तो साबित कर चुके हैं अपने दलाल से इरफान कादर साहब के गुस्सा आपको ज्यादा। दरअसल मैं समझता हूँ कि मर्द की पर्सनैलिटी और औरत की पर्सनैलिटी में कहीं ना कहीं पे थोड़ा बहुत फर्क आ जाता है। दूसरा ये है कि मेरी एक आदत ऐसी है कि मुझसे ना झूठ बर्दाश्त नहीं होता, जब कोई झूठ बोलता है मुंह पर आके नहीं, लेकिन एक तरफ अलामा इकबाल ने ये भी तो कहा है ना कि फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, तो क्यों आप सख्ती से फिर बात करते हैं, नरमी से बात? लेकिन वो कटता नहीं है ना, वो शायरी में ही कटता है प्रैक्टिकली जब हम उसका प्रैक्टिकली जब हम शायद आप उसके अगले, अब आप मुझे बताइए कि मेरे सामने फिरदौस आशिक अवान साहिबा बैठी हो या फवाद चौधरी साहब बैठे हों या हनीफ अब्बासी साहब बैठी हों, तो वो फूल की पत्ती से हीरे का जिगर कट जाए? यहाँ कुछ नहीं कहूंगा, ईद का मौका है, ये सब हमारे दोस्त हैं, दोस्त हैं, दोस्त के बारे में मैं कोई बात नहीं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि वो बहुत ज्यादा अपने जो जो भी उनका मौकफ होता है वो उस पर डटे होते हैं, नहीं वो उस पे जरा अगर आपका पैशनेट हो जाते हैं, हाँ अगर आपका इख्तलाफ है तो आई थिंक आई हैव ऑल द राइट, पैशनेट होते हैं कोई, मैं उसको रिस्पॉन्ड कह रहा हूँ कि कई दफा हम लोग पैशनेट होते हैं। अच्छा जी, वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा है, मुझे बताइए कि दोनों में से सिंगर कौन बेहतर है? ये दोनों सिंगर 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 की बात है, ये आप बेहतर गुनगुनाती हैं आप घर में थोड़ा बहुत? हाँ ये तो बहुत अच्छा, नहीं कभी तो बहुत गाती थी, आजकल छोड़ा हुआ, आजकल छोड़ा हुआ, तो थोड़ा सा आज गुनगुना के सुनाइए ना आप। चल फिर आफी वो एक अजनबी हंसी में, ये जी हमारी जिंदगी का बड़ा अहम गाना है, क्योंकि जब हमारा निकाह था, मंगनी नहीं थी, डायरेक्ट निकाह हुआ था, तो फिर ताकि हमें मिलने की इजाजत, उस दौर में मेरे वालिद उस जमाना था कि मिलने कंजर्वेटिव थे, तो हम पहली डेट पे जब गए थे तो इन्होंने एक अजनबी से सीना सुनाया था। अच्छा, और फिर मैं सुनाया था, हाँ गाड़ी में जाते हुए, नहीं हम मुझे ले गए ये बागे जिना और वहाँ पर एक पहाड़ी पे बैठ गए, थोड़ी सी जो थी
उधर इन्होंने शुरू किया गाना, तो अब हम दोनों मियां भी वही गाना गाते। आप फिर गाएं और मैं आपकी छत्र छाया में थोड़ा सा बीच में जबरदस्त बिल्कुल ठीक है। चलो जी। अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई, फिर क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई। दन दन दन। ये गाना हमारे लिए बड़ा अहम है। हाँ, ये वाला जो पहलू है आप दोनों की शख्सियत का, ये इससे पहले सामने नहीं आया था, एंड क्रेडिट गोज टू मी कि इरफान कादिर साहब टेलीविजन पर आ रहे हैं। और मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं कभी किसी के सामने इस तरह से गाऊंगा, इसलिए मैंने आपका कमाल है कि नहीं, इनका कमाल है, क्योंकि अगर हसीना सामने ना होती तो आप गा ना सकते। मेरे कहने पे आपने थोड़ी गाना था, दिल से वो दिल से नहीं निकलता। चलिए ठीक है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए, बहुत मजा आया, और उम्मीद करते हैं कि जिस तरह आपने 34 साल जिंदगी का सफर इकट्ठे गुजारा है, अल्लाह ताला आप दोनों को जिंदगी सेहत दे, और इसी तरह खुशी से आप लोग वक्त गुजारें, खुशियां देखें, अपने बच्चों की खुशियां देखें। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे आयशा? थैंक यू सो मच जी मुझे बुलाने के लिए। इट्स एन ऑनर कि इतनी बड़ी हस्तियों के साथ आपने मुझे एक तो स्क्रीन शेयर करने का मौका दिया, दूसरा बैठने का मेहमानों की जगह पे, तो थैंक यू सो मच। एंड इरफान साहब, मलिहा साहिबा, थैंक यू सो मच हमें ईद पे इतने खास मौके पे दिया, क्योंकि हम कोई बड़ी बड़ी हस्ती क्या है, हम कुछ भी नहीं है, तो आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने हमें नफसी से काम ले रहे, इज्जत दी है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ये इरफान कादर साहब और मलिहा इरफान कादर साहिबा से हमने गुफ्तगू की। अब एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक नए सेट ऑफ गेस्ट हमारे साथ होंगे, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे आफ्टर द ब्रेक। टू राइट एंगल ईद स्पेशल, जैसा कि आप जानते हैं कि आज खिलाफ मामूल हम संजीदा गुफ्तगू नहीं कर रहे हैं, लाइट हार्टेड गुफ्तगू हो रही है, और मेरे पास अब एक नया सेट ऑफ गेस्ट है और उनका आपसे तारुफ कराता हूँ। बड़े जबरदस्त दो ऐसी शख्सियात हैं जो कि जिनको मैं अगर कहूं कि एम्पावर्ड वुमेन है, और वुमेन एम्पावरमेंट को डिफाइन करती हैं, रिप्रेजेंट करती हैं, तो गलत नहीं होगा, और दोनों अपनी अपनी फील्ड्स में बड़ा जबरदस्त काम कर रही हैं। मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, मेंबर पंजाब असेंबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू एहतशाम, बहुत शुक्रिया इतनी अच्छी करने के लिए। थैंक यू फॉर कमिंग। और बैरिस्टर सारा बिलाल साहिबा इंसानी हकूक के हवाले से बहुत काम करती हैं, और हमने इन्हें अक्सर टेलीविजन चैनल्स पर देखा है जब भी कोई इंसानी हकूक के हवाले से केसेस होते हैं, और खासतौर पे हाई प्रोफाइल केसेस, उसमें आपने बैरिस्टर सारा बिलाल को अक्सर देखा है अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हुए। लेकिन आज हम दोनों की जो लाइट साइड ऑफ द पर्सनैलिटी है उसको डिस्कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ईद का मौका है, और उस मुनासबत से तो सबसे पहले आप बता दें कि ईद पर कितनी एक्साइटमेंट होती है, तैयारियां कैसे करती हैं ईद की? एहतशाम, सच बोलना है, बिल्कुल सच बोलना है। एक्साइटमेंट उस तरह से वो वाली जो देखो जो बचपन की ईद थी, या कह लो शादी से पहले की ईद, वो नहीं रही, बिकॉज पॉलिटिक्स, फुल टाइम जॉब, और उसके साथ साथ एक्साइटमेंट शॉपिंग, बिकॉज आई एम अ शॉपिंग लवर पर्सन, तो शॉपिंग मैं करती बहुत हूँ, लेकिन अब ये है कि उसमें अपना पोर्शन बहुत कम रह गया है, यू नो, इतना बड़ा हल्का है बाप, फिर फैमिली फ्रेंड्स, तो सबके लिए गिफ्ट्स लेना, और स्पेशली चूंकि आई एम सो बिजी, तो मैंने बच्चों की जो है ना वो एक जो ताकि उनकी एक्साइटमेंट बरकरार रहे, तो उनको मतलब शॉपिंग पे, हालांकि मैंने कभी जिंदगी में, मैं पहले भी मैं अपनी शॉपिंग पहले ही कर लेती थी, चांद रात तो बस हम लोग निकलते हैं फॉर फन एंड ऑल, बट अब मैं बच्चों को हर सूरत लेके निकलना। बच्चे कितने हैं माशाल्लाह? मेरे जी दो बेटे हैं। अच्छा, तो हाउ ओल्ड आर दे? एल्डर वन इज 6.5 एंड द यंगर वन इज 5.5। अच्छा, दे आर वेरी यंग माशाल्लाह। तो उनको फिर टू टेल देम कि हमारी ईद कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्पेशली बच्चों से मैंने शॉपिंग कराई कि वो अपनी कजन्स को और अपने कजन्स को उनके लिए गिफ्ट्स ले ईद, और वो कैसे एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स, और वो सारा आई एम ट्राइंग कि ताकि हमारे बच्चे जो है ना, जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, आपको पता है सोशल मीडिया, और फिर तो मैं थोड़ा डरती हूँ, आई एम अ प्रॉपर ट्रेडिशनल मदर, कि मैं बच्चों को जैसे हर फ्राइडे को कुर्ता शलवार जरूर पहनाती हूँ, ईद पे मैंने तीनों दिनों के उनके कपड़े
प्रॉपर ट्रेडिशनल खोसा एंड ऑल वो सारा, तो वो बच्चों को एक्साइटमेंट बहरहाल बहुत रहती है, तो उनकी एक्साइटमेंट देख के अपना बचपन भी याद करते हैं। और मेरे ख्याल में उसमें ज्यादा मजा आता है बच्चों को एक्साइटेड देख के, बच्चों की तैयारी देख के, उनकी खुशी देख के, वो आके जब आपसे ईद मांगते हैं, अपना बचपन तो याद आता है लेकिन साथ साथ उनके चेहरे की जो मुस्कुराहट है दैट मेक्स योर डे। एग्जैक्टली, बिल्कुल वेरी ट्रू। ये चीजें वाकई कहीं गुम होती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। बच्चे ईद पे तैयार नहीं होना चाहते, वो अपने लैपटॉप के साथ टैब के साथ रहना चाहते हैं, रेस्ट करना चाहते हैं। मैंने बहुत सारे घरों में इस तरह से देखा है, तो आपको पुश करना चाहिए बच्चों को ताकि वो रिवायात जिंदा रहें। सारा, आप कैसे ईद मनाते हैं? और माशाल्लाह आपकी बेटी आपके साथ है, आई एम सॉरी मैंने पहले नाम नहीं लिया। कैसी हैं आप? ठीक हैं जी। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? तीन। टू हाना, इट्स अ ब्यूटीफुल नेम, मतलब मुझे पूछना है हाना का। हाना का मतलब है इट्स अ जापानीज नेम, ओके, एंड इट्स अ वर्ड फॉर फ्लावर, ब्लॉसम। वाओ, वेरी गुड। एंड देयर इज आल्सो देयर इज एन आइलैंड कॉल्ड हाना इन हवाई, जो कि काफी फेमस है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वो फूल है। तो उन्होंने पूरे उस आइलैंड का नाम हाना रखा। सही, सही, जबरदस्त जी। सारा, आप ईद कैसे मनाती हैं और क्या एक्साइटमेंट होती है, किस तरह क्या रूटीन होती है? अच्छा, ईद हमारे लिए मुझे बहुत अच्छा लगा जो आपने कहा कि जो बचपन में हम जाते थे चांद रात के बाजारों में जाते थे और वो सारी चूड़ियाँ वगैरह था, वो बचपना था। एज अ मैरिड वुमन, एज अ मदर, अब ईद इज अ लिटिल बिट डिफरेंट। नानी दादी हैं जो आके बच्चों के कपड़े और शॉपिंग्स करती हैं, और वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं कि वो इनको मज़ा कराएं, उनको लेके जाएं, उनको बहुत शौक है। और हमारे लिए प्रोफेशनली रमज़ान का महीना बहुत बरकत वाला महीना होता है, बिकॉज आपको पता है कि हम कैदियों के लिए काम करते हैं, सज़ाए मौत के कैदियों के लिए काम करते हैं, और तमाम मुस्लिम ममालिक में जहाँ पर सज़ाए मौत होती है वहाँ पर रमज़ान के दौरान फांसियाँ रुक जाती हैं। तो हमारे लिए प्रोफेशनली रमज़ान का महीना एक बहुत अच्छा महीना होता है, चैन और सुकून का महीना होता है, बिकॉज हम और हमारे क्लाइंट्स, हमें पता है सुकून में। अच्छा, दूसरा इसमें एक और बात कि जो जितने भी जेल में कैदी होते हैं उसमें बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जिनके फैसले हो जाते हैं और फिर उनके फैमिलीज की उनकी कोशिश होती है कि ईद से पहले किसी तरह उनको रिहाई मिल जाए, उसको एक्सपेडाइट करने का काम भी आप करते हैं? जी, लेकिन एक्चुअली इस हुकूमत के तहत मैं हमेशा कहती हूँ कि मैंने पीटीआई के लिए वोट नहीं किया इस दफा, लेकिन क्रेडिट इस दफा नहीं किया, बट क्रेडिट वेयर क्रेडिट इज ड्यू, बिकॉज जो स्पेशल एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर है ऑन ओवरसीज पाकिस्तानीज, हमने पिछली हुकूमतों के साथ भी काम किया है, लेकिन जो ओवरसीज पाकिस्तानीज की मिनिस्ट्री इस हुकूमत के तहत जो काम कर रही है इज अनप्रेसिडेंटेड। अभी आपने देखा होगा कि मलेशिया से उन्होंने 215 कैदी लेके आए हैं वापस ईद से पहले, सऊदी अरेबिया से उन्होंने 2100 कैदी की कमिटमेंट ली है, और ईरान से भी कैदी वापस आ रहे हैं। सो ये ईद इज फिनोमिनल बिकॉज ऑफ द वर्क जो जुल्फी बुखारी और उनकी मिनिस्ट्री ने किया। लेकिन ये चीज ट्रांसलेट हो रही है लोकल लेवल पे भी, हमारी जो जेलों में अपने लोकल प्रिजनर्स हैं वहां तक जा रही है? I mean not to that extent, लेकिन because यहाँ पे हमारी overcrowding का जो issue है in prisons is massive. हमारी पाकिस्तान में जो जेलें हैं उनकी capacity is around 40,000, but we have about 90,000 people in prison. जिनमें से 65% ऑफ दोज आर अंडर ट्रायल प्रिजनर्स, सो ये दीज आर नॉट इवन, ये वो लोग हैं हु शुड बी आउट विद इन 2 years, सो इट्स अ प्रॉब्लम। लेकिन आई नो कि लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री में जैसा मलिका बुखारी हैं वो इस पे काम कर रही हैं, प्रिजन रिफॉर्म्स पे, प्रिजन रूल्स के रिफॉर्म्स पे। सो एक्चुअली चलिए, ये तो संजीदा गुफ्तगू होगी और ये होती रहती है आपके साथ मुख्तलिफ टेलीविजन प्रोग्राम्स में। मुझे बताइएगा, आप तो नहीं चूड़ियाँ पहनने जाती हैं, मेहंदी लगवाने? नहीं, मैं पहनती थी बचपन में, पहनती थी। आप अगर टाइम मिलता तो कभी कभी इन रहना वाली चूड़ियां मैं थोड़ी सी चोरी करके पहन लेती, जो नानी दादी इनके लिए लाती हूँ मैं थोड़ी सी पहन लेती हूँ। हाना ने ऐसी लुक दी है जैसे हाना को भी पता चला है कि ये मामा करती रही और मेरी बैंगल्स कहाँ जाती थी मुझे पता चल गया। गलत इल्जाम लगा रही। इट्स ओके, ये भी मेरी काफी, ये और छोटी वाली मेरी काफी चीजें चोरी करती है, सो इट्स द सेम विद इट इवन। अच्छा, आपकी दो बेटियां? जी, मेरी छोटी वाली नेम इज लिया एंड शी इज 2.5, 2.0, actually almost 3, एंड जुलाई शी इज गोइंग टू बी 3। मस्ट बी वेरी नॉटी, क्योंकि वी हैव 2 years old और वो बहुत नॉटी है, वो भाई से भी बहुत ज्यादा नॉटी है। मेरे ख्याल में कि एज ऐसी होती है, आई थिंक पहले वाले बच्चे शरीफ होते हैं, जो दूसरे वाले होते हैं इज लाइक अल्लाह माफ,
It's a totally different. ये मेरा बड़े वाला इतना शरीफ है और छोटे वाला Oh my God. अब बड़े वाला शरीफ तो नहीं था हमारा लेकिन दूसरी के आने के बाद हमें लगा कि नहीं ये थोड़ा शरीफ है. मेरे ख्याल में शरीफ वो भी नहीं है बड़े वाला वो भी बहुत नॉटी है शरारती है लेकिन वो छोटों का लिहाज करते हैं बड़े बच्चे जो होते हैं उनसे दो तीन चार साल छोटे होते हैं ना वो उनको मार्जिन देते हैं मिसाल थोड़ा सा फर्क भी होता है बिकॉज पहला बच्चा ओवर पैम्परिंग होती है और वो जो मेरा ये ख्याल है कि हैंडलिंग डिफरेंट होती है और दूसरे बच्चे की दफा देखो माँ को प्यार तो उतना ही होता है लेकिन ऑलरेडी एक और दो को मैनेज करना आप सोचे कितना डिफरेंस आ जाता है. गुफ्तगू का सिलसिला जारी है एक ब्रेक लेते हैं ब्रेक के बाद वापस आएंगे और अपने मेहमानों से चंद मजीद चटपटी बातें करेंगे. वेलकम बैक टू राइट एंगल ईद स्पेशल आफ्टर द ब्रेक. बात हो रही है मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा से बैरिस्टर सारा बिलाल से और आयशा एहतिशाम हमारे साथ मौजूद हैं. आपका खसूसी शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए आयशा. अच्छा मुसर्रत साहिबा आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि अगर आपको ईद किसी सियासतदान के साथ मनानी और उसका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से नहीं हो. पहले तो ये एहतिशाम किसी सियासतदान में तो पूरी लाइफ की ईदें सियासतदान के साथ ही मनाने जा रही हूं. बिल्कुल इसलिए मैं आपकी ऑप्शंस लिमिटेड कर रहा हूं. मैं आपकी ऑप्शंस लिमिटेड कर रहा हूं. शेख रशीद सिराजुल हक मौलाना फजलुर रहमान. ऑब्वियसली शेख रशीद. यार ये तुमने गलत चॉइसेस दिए हैं यार ये चेंज करो मैं दोबारा चॉइसेस दूंगा. शेख रशीद निकालो यार. पर्सनली आई लाइक हिम. ले जी मैं चॉइसेस दोबारा आपके लिए दे रहा हूं. खुर्शीद शाह सिराजुल हक मौलाना फजलुर रहमान. शेख रशीद. शेख रशीद मैंने निकाल दिया भी शेख रशीद इज नो मोर एन ऑप्शन. लाइक हिज वर्किंग. सोचो रेलवे को कैसे खसारे से निकाला ना सिर्फ खसारे से नहीं, निकाला. ये मुझे इतनी बड़ी आप ब्रेकिंग न्यूज ना देंगे रेलवे खसारे से निकल गई. एहतिशाम सुनो मजे की बात ये कि मेरे बच्चे सीरियसली आप पूछ लो आहिल आरिश वो दोनों शेख रशीद साहब ने जो ट्रेन की प्रमोशन की हुई है ना ये जब ये मेरा ख्याल ये जो दिखा रहे थे वो जो इन्होंने एक अच्छी वाली ट्रेन वीवीआईपी ट्रेन जो है हाँ तो वो उस पर मेरे बच्चे जी हमने उनसे प्रॉमिस किया हुआ है कि राइट आफ्टर ईद हमने उनको ट्रेन की राइड दिलवानी है. मे बी वी आर प्लान वो जिधर मेरा ख्याल कराची या पिंडी जिधर भी जाएगी वी आर गोइंग टू ज्वाइन दैट ट्रेन. तो देख लो बच्चे तक इम्प्रेस हुए पड़े हैं शेख रशीद. मुझे ये बात बताएं शेख रशीद साहब से आपकी मुलाकात होती होगी अच्छी आपकी पोलिटिकल एफिलिएशन है बड़ा उनका ताल्लुक है इमरान खान साहब से भी. तो ये जब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं शेख रशीद साहब उनके ऊपर कभी आपने उनको कमेंट नहीं दिया कैसे ना किया अगर मिसाल के तौर पे पिछले दिनों मियां शहबाज शरीफ साहब की वो नकलें उतार रहे थे कि वो लंदन में हैट पहन के ऐसे बैठा फिर उन्होंने किया ऐसे बैठा एक्चुअली आई लाइक ही माय लाइक इज ऐसे बैठा ये तीन दफा उन्होंने किया लिटरली और रिपोर्टर्स जो है वो हंस रहे थे कैसे लग रहे थे. देखिए शेख साहब की जो फॉलोइंग है या फैन क्लब है ना वो एग्जिस्ट करता है और मुझे तो उनका ये स्टाइल सच्ची बात है पसंद है. क्यों आप जरा उसके स्टंट्स देखो आप उसके क्या नाम है शहबाज के भाई आपको स्टोर्स के तो वो जो उसकी जो वीडियो वायरल हुई मार्क्स एंड स्पेंसर के बाहर अभी स्टोर खुला नहीं और मसरूफ जाके बाहर देख रहे हैं. सो शेख रशीद पे रहते हैं मुझे तो उनका ये स्टाइल पसंद है. आप मेरी पर्सनल मैंने देखा है कि पिछली कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के वाले से उनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि मेरा रोजा है बिलावल के वाले से मैं बना. व्हाट डज दैट मीन एक्चुअली ये जो बिलावल करता है जो बिलावल साहब फरमाते हैं ठीक है तो उसके बाद चले उन्होंने ये कह दिया. बेसिकली मेरा ख्याल है कि जो शेख साहब की ट्रेनिंग जिस प्लेटफॉर्म से हुई है ना शेख साहब उन लोगों की मेंटेलिटी को और उनको डील करना हमसे कहीं ज्यादा बेहतर समझते हैं. सो दैट्स व्हाई उन्होंने की आई वुड लाइक टू से क्योंकि मेरी बेटी यहाँ पे है कि आई होप कि जब तक ये बड़ी होगी तब तक ये जो पॉलिटिक्स का स्टाइल है ये बदल जाए और ये सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं हो तो बाहर भी यही चीजें जाना शुरू हो गई है. लेकिन जो ये जनरेशन है बच्चों की जो बड़ी हो रही है ये एक फर्क माहौल में पल बढ़े और इनके पास जो एक्सेस टू इंफॉर्मेशन है और जो इनकी जनरेशन की चैलेंजेस है आर मच बिगर. इनकी जनरेशन की चैलेंजेस आर बिगर देन जो पाकिस्तान के चैलेंजेस हैं आर बिगर देन इनकी जनरेशन के लिए क्लाइमेट चेंज इज द बिगेस्ट चैलेंज. इनकी जनरेशन के लिए खाना रिसोर्सेज आर द बिगेस्ट चैलेंज. लेकिन इनकी जनरेशन में कितने लोगों के लिए होगा ये भी सोचिए लिटरेसी रेट क्या होगा अवेयरनेस कितनी होगी. बट वही तो वो कह रहे हैं अगर आप देखें कि यूरोप में बच्चों की एक तंजीम चली है स्कूल्स को बॉयकॉट करने की क्योंकि वो क्लाइमेट एक्शन तलब करे. यूनाइटेड स्टेट्स में भी एक 8 सालों की लड़की ने
उसका केस सुप्रीम कोर्ट तक किया है बिकॉज उसने सू किया है अमेरिकन गवर्नमेंट को कि आप मेरे मुस्तकबिल के ऊपर खेल रहे हैं जब आप क्लाइमेट पॉलिसी। सर्टेनली आई एम गोइंग टू इनवाइट यू इन अ करंट अफेयर शो और मैं आपसे सारी संजीदा गुफ्तगू वहां पर करूंगा ये वाली लेकिन आज अब आपके लिए एक रैपिड फायर क्वेश्चन। आई वांट टू फिनिश व्हाई यू नो वी हम ये बात करते हैं कि ये मजाकिया पॉलिटिक्स और ये पॉलिटिक्स। आई रियली होप कि जब तक हमारे बच्चे बड़े हों तो हमारे सियासतदान जो है जब वो बात करें तो वो पॉलिसी के ऊपर बात करें और वो सब्सटेंटिव बात। जब हमारे बच्चे बड़े होंगे तो नए सियासतदान आ चुके होंगे। आई रियली होप सो। और वो नए सियासतदान नहीं बट शी इज राइट कि हमें देखे बात ये है कि लेकिन जो बेसिकली मैसेज जिस चीज को मैं आपको एक बात बताऊं सारा मैं और जमशेद हम बिल्कुल भी हाइपर नहीं होते थे शोज पे ये वो जो हल्के के लोग हैं जो फीडबैक आती है वो ये कि आप बेइज्जती करा के आ गए और फिर जो हमारे पे स्टैंप लग गई यू सी कि जी बर्गर ये तो पार्टी ही बर्गर पढ़े लिखे लोगों की है ये तो बेइज्जतियां कराते हैं ये तो मारे खाते हैं और फिर ऑल ऑफ सडन क्या हुआ कि हमारी जो पॉपुलर पब्लिक सेंटिमेंट है एक लीडर का काम उस पॉपुलर पब्लिक सेंटिमेंट के एन मुताबिक चलना है या फिर उनको लीड करना है और उनको रिफॉर्म। उसमें दो बातें हैं एहतशाम एक ये कि मैं चूंकि हम हल्के की पॉलिटिक्स करते हैं उसमें एक तो ये कि वो तो और भी बड़ा कुछ कहेंगे क्या है अगर आप एजुकेटेड हो आप करप्ट नहीं हो ये सारी बातें ठीक लेकिन मैं दो चीजों पे इख्तलाफ करूंगी कि देखें मैं आपको अपनी अपना एक्सपीरियंस ही शेयर कर सकती हूँ ना कि औरत जब भी लॉजिक पे बात करेगी तो जैसी भी औरत होगी वो पहले अब्यूसिव नहीं होती वो वायलेंट नहीं होती कुछ लेकिन यहाँ पे एक माइंड सेट है जो औरत को औरत कह के चुप कराने पे तरजीह दी जाती है कि आप औरतों के ऊंची आवाज में बात कर रही हैं भाई आप आपसे मैंने पॉलिसी की बात की आप सीधा घुस गए मेरी पार्टी के घर में लीडरशिप के घर में आपने उनकी औरतों को पहले जातियात पे भी अटैक किया जातियात पे तो जब मुझे इस फील्ड में रहना है मुझे सरवाइव करना है तो मुझे वो तरीके भी आने चाहिए। लेकिन मैं गुजारिश करूंगा एक सेकंड आयशा आप बहुत देर से खामोश हैं और आपकी खामोशी से अब मुझे खौफ आना शुरू इसलिए प्लीज आप कुछ मेरा एक सवाल है एहतशाम आयशा घर पे भी इतना खामोश होती यू आर सो लकी दैट यू हैव अ म्यूट वाइफ। नहीं ऐसी बात नहीं है क्या आपको इनवाइट करना पड़ रहा है चले मैं किसी दिन शो पे बुलाऊंगी तो मुसर्रत साहिबा की ये गिला दूर हो जाएगा। अच्छा खैर मैं इसमें ऐड करना चाहती थी वैसे तो खैर काफी सीरियस हो रहा है लेकिन ये डिबेट भी बहुत लंबी है ना कि पब्लिक जो चाहती है उसके मुताबिक हमें टीवी पे वो दिखाना चाहिए वो मुसर्रत साहिबा पब्लिक तो हमसे भी बहुत कुछ चाहती है बतौर एंकर्स। हाँ जी एग्जैक्टली कि बहुत हाइपर हो बहुत ऊंचा बोले मेहमानों को जरा थोड़ा इंसल्ट करें या फिर दूसरी एक चीज ये है कि हमने सेट करनी है एग्जाम्पल लोगों को यूज टू करना उस चीज का कि तमीज से तरीके से और जो पॉइंट की बात है वो करें तो ये दो चीजें हैं कि हमने इम्यून करना है लोगों को या फिर लोग जो चाहते हैं हम उस तरह के बन के लाउड हो जाएं और बदतमीजी करें तो रेटिंग आएगी पसंद आएगा तो रेटिंग वाला भी एक फिनोमेना हमारी फील्ड में तो बहुत। अच्छा चलिए अब मैं वापस आ रहा हूँ तीनों खवातीन की तरफ। जमशेद चीमा साहब कैसे इंसान है? मेरे लिए आइडियल आई डोंट नो लोग क्या सोचते हैं बट ओवरऑल जो फीडबैक आती है जो उनके दोस्त हैं मीडिया से रिलेटेड लोग हैं हल्के से फीडबैक यही है। और शौहर कैसे? बेस्ट शौहर अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सो ब्लेस्ड यानी कि मेरे पॉलिटिक्स में आने की वजह मेरी सक्सेस की वजह ही इज अ ट्रू बिलीवर ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट आई एम टेलिंग यू माय स्ट्रेंथ या मैं जो जाके फ्रंट फुट पे जाके बहुत कुछ कर जाती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मेरी बैक स्ट्रांग है मेरे यू नो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जमशेद की तो मैंने ये देखा आप बाकी बहुत कुछ कर जाती हैं मुझे बट आई थिंक ही इज अ वेरी स्पेशल मैन टू हैव समबडी लाइक यू एंड टू अप्रिशिएट अ वुमन लाइक और दूसरी बात ये कि ऐसे लोग कम है और बल्कि ये जमशेद जैसे बैकग्राउंड जाट फैमिली जिम्मेदार और उन्हें तो मतलब समटाइम बेचारे मर्द जो वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते उनको टैग पता क्या लगाया जाता है कि ये तो बीवी के थल्ले लगा हुआ है या ये डरता है रानमुरी ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग यस एंड दैट्स इट बिल्कुल सही। अच्छा सारा आपके हस्बैंड का सॉरी मुझे नाम नहीं पता रजा तो रजा साहब कैसे हस्बैंड है? वो हैना के तो वो फेवरेट है बेटी का बाप नहीं एवरी गर्ल्स फर्स्ट हीरो इज अ फादर यस एंड एवरी फादर्स फर्स्ट लव इज हिज डॉटर
नहीं, मेरे शोहर भी इज अ वेरी नाइस पर्सन. ऑब्वियसली ही हैज टू बी अ वेरी अंडरस्टैंडिंग पर्सन, वरना मेरी जैसी औरत के साथ रहना आसान नहीं होगा. मेरे जैसी से मतलब इन द सेंस के यू नो आई मीन इन इस माशरे में और बाहर भी करियर ओरिएंटेड में भी करियर आई मीन औरतों का जो करियर इज डिफरेंट. औरतों को हॉबी की इजाजत है लेकिन करियर इज अ डिफरेंट. जॉब करने की इजाजत है, आप टीचर बन जाओ, आप ऐसी जॉब कर लो जो आप 12 बजे वापस आ जाओ या 2 बजे वापस आ जाओ, लेकिन करियर एक फर्क. और आपका करियर कोई आसान करियर नहीं है, मतलब कि बड़ा जेलों में जाना, कैदियों से मिलना, फिर उनके हकूक की जंग लड़ना, कहीं उसके टाइमिंग्स और उसके यू नो फर्क होता है. बट जस्ट लाइक डॉक्टर्स का भी यही होता है, कोई भी प्रोफेशनल करियर्स का, एंकर पर्सन का भी यही होता है. एक ब्रेक लेनी है मुझे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो तीसरी खातून यहाँ पर जो बैठी है उनसे भी पूछेंगे कि आपके शौहर कैसे इंसान है और कैसे शौहर है. आफ्टर द ब्रेक. वेलकम बैक टू राइट एंगल ईद स्पेशल. जी आयशा, जाने से पहले ब्रेक पर एक सवाल आपके लिए छोड़ा था कि आपके शौहर कैसे इंसान है, जल्दी से एक जुमले में जवाब दे दीजिए. बड़े अच्छे इंसान है, फिर बाकी बातें करते हैं. ये देख रहे हैं आप लोग कैसे जुबान बंदी यहाँ पे की जाती है, जुबान को ताले लगाए जा रहा है. मुझे लग रहा है डिक्टेटर, यू नो, कि डिक्टेट कर रहे हैं कि बताओ कि मैं कितना अच्छा. अच्छी ऑब्जर्वेशन है आपका. मैं बहुत जमहूरियत पसंद इंसान. और देखिए तीन तीन खवातीन बैठी हैं और तीनों माशाल्लाह इतनी एजुकेटेड हैं, लिटरेट हैं, एम्पावर्ड हैं, अपनी अपनी फील्ड्स में इतना अच्छा काम कर रही हैं. एक एंकर हैं, एक वकील हैं, एक पॉलिटिशियन है, तो मेरी क्या मजाल यहाँ पे मैं डिक्टेटोरियल बिहेवियर दिखाऊं. नहीं, मेरे ख्याल में एक्चुअली वो तो मजाक था, लेकिन एक औरत को देख के ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि और अगर वो खुश अपने हस्बैंड के साथ एक फैमिली लाइफ गुजार रही है तो उसको देख के अंदाजा लगाया जा सकता है. अगर वो कॉन्फिडेंट है, शी इज डूइंग वेल और सब चीजें, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि उसकी बैक पे एक बंदा खड़ा है जिसकी वजह से वो इतना अच्छा काम कर रही है और सपोर्टिव होगा, कोऑपरेट करने वाला होगा, इनकरेज करने वाला होगा. काफी इतना बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमन देयर इज अ मैन रोलिंग हिज आईज. अच्छा, आपसे सवाल पहले आपसे शुरू करते हैं, फिर बाकी दोनों से भी यही सवाल पूछूंगा. सबसे ज्यादा गुड लुकिंग पॉलिटिशियन इस वक्त की पार्लियामेंट में कौन? इमरान खान. इमरान खान एवर ग्रीन ब्यूटी. आपके लिए आसान था क्योंकि आपकी पार्टी के लीडर हैं और आपने. नहीं, इसलिए नहीं कि वो मेरे लीडर हैं. यू सी, अभी एक अभी मैं पता नहीं फ्यू डेज बैक मैं देख रही थी कि जो टॉप के कुछ है ना, मतलब पीएम जो बड़े हैंडसम गुड लुकिंग, खान इज वन ऑफ देम एंड ही इज एट टॉप. नहीं, उनके तो कंपैरिजन जस्टिन ट्रूडो से भी किए गए. जी बिल्कुल. हाँ. उसी लिस्ट में. हाँ, उस लिस्ट में किए. अच्छा, और सबसे ज्यादा खूबसूरत खातून मेंबर पार्लियामेंट अभी या कभी जो नेशनल असेंबली में या प्रोविंशियल असेंबली में, अभी अभी की बात कर. अभी की जो वॉट ऑफ कॉम्पिटिशन है सोचे आपके अलावा. सारी प्रिटी. नहीं, बेसिकली मैं ब्यूटी का मेरा क्राइटेरिया ही फर्क है. आई सी शीरी मजारी, शी इज अ कॉम्पिटेंट लेडी एंड शी इज स्टाइलिश टू. लुक्स वाइज आप कह रही हैं कि बेसिकली इट्स अ कॉम्बिनेशन, मतलब इसमें कोई. लेकिन मेरा सवाल, आई मीन वेरी, आई एम सॉरी, आई नो कि वो सूरत और सीरत और कॉम्पिटेंस हर चीज देखनी चाहिए, लेकिन आई एम बीइंग वेरी सुपरफिशियल राइट नाउ, आई एम सॉरी फॉर दैट. अच्छा, मैं सिर्फ लुक्स की बात कर रहा हूं. लुक्स में तो फिर जरताज गुल आई गेस है ना, शी इज प्रिटी और ठीक है. जरताज गुल, मेरे प्रोड्यूसर साहब को वहां पे बड़ा दुख हुआ आपने जरताज गुल साहिबा का नाम लिया. प्रोड्यूसर मुझे कान में बता देता ना किसका नाम लेना है. वो जैन साहब वहां पे बैठे हुए, मैं तो उनकी शक्ल देख के परेशान हो गई. उन्होंने ऐसे ऊपर किए सारा. द सेम टू क्वेश्चंस टू यू. आई ऑनेस्टली द मोस्ट गुड लुकिंग मेल पॉलिटिशियन राइट नाउ लोकली, लोकल ग्लोबली और लाइक. नो नो नो, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं. आई एम कंप्लीटली स्टम्प्ड. यू डोंट लाइक? आई वुड से आई एम सॉरी. इमरान खान ने वेल आई मीन गुड लुकिंग तो है, वोट नहीं दिया है एक अलग बात है. प्राइम मिनिस्टर, उसके बारे में हम सोचते नहीं है. I mean, it's a different, लेकिन वैसे मतलब कि irrespective of the fact कि वो प्राइम मिनिस्टर हैं, भूल जाएं थोड़ी देर के लिए. ठीक है, इमरान खान, आई मीन ऑब्वियसली पिछले 60 सालों से 70 सालों से. एंड इफ इमरान खान इज नॉट एन ऑप्शन देन, अगर इमरान खान ऑप्शन नहीं है तो फिर आई मीन आई
राना खानावला नो नो आई एम गोइंग टू से जुल्फिकार अली बुखारी चले मैं आपको तीन ऑप्शन उनकी सीरियसली और उनके उनके एक्शन हाँ द यंग टैलेंटेड बिल्कुल जुल्फिकार अली बुखारी हाँ अगर फान ना हो तो मेरी ऑप्शन जुल्फी बुखारी जुल्फी बुखारी आर यू सीरियस यस बिकॉज उनकी जब आप उनका काम देखेंगे तो काम को छोड़े काम के साथ सीरियस तो वो कह रही है कि उनको वो लगते हैं हर एक की ब्यूटी का अपना क्राइटेरिया होता है मैं भी इनको सेकंड करती हूं अपार्ट फ्रॉम इमरान खान देन आई हां इफ नॉट खान देन जुल्फी बुखारी यू मीन टू से जुल्फी बुखारी आई डिसअपॉइंटेड इन माय चॉइस मुझे लगता है सारा इनकी अपनी लिस्ट है और आपको चाहिए तो वो आप हमें पहले दे देते तो हम स्क्रिप्टेड बातें करती हैं फॉर वुमेन पॉलिटिशियंस आई वुड से मलिका बुखारी या शी इज प्रीटी एंड अगेन जो वो काम भी कर रही है सो इट्स बोथ दीज पीपल उन्होंने मरियम नवाज शरीफ साहिबा के खिलाफ पिटीशन भी डाल दी है ना इलेक्शन कमीशन मलिका बुखारी ने अच्छा बट आई एम लुकिंग एट राइट आई एम लुकिंग उन्होंने डाली है ना काम फ्रेंड ऑफ माइन अच्छा मैं उनका काम देख रही हूं मलिका ने सरताज बहुत जो उन्होंने लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री में वो जो काम कर रही है इट्स फिनोमिनल जी जी आयशा द मोस्ट गुड लुकिंग एंकर अच्छा सॉरी पॉलिटिशियन पॉलिटिशियन मेल ही बताना है जी जी मेल फीमेल दोनों इजाजत है मैंने अपने दिल पे पत्थर रख लिया आप बता दें कोई बात तो इमरान खान से ज्यादा तो कोई नहीं हो सकता है ना आप जब लोग प्रोग्राम जो मेरा देखते रहे और जब देखेंगे क्योंकि बातें तो पता नहीं क्या करती है एक बात है मतलब कि खान साहब का बड़ा एक करिश्मा रहा है थ्रू आउट इस एज में आप एज देखें ना इस एज में भी इतना करिश्मा है उनका तो फिर उनका करिश्मा है लेकिन मतलब कि कभी कभी लगता नहीं कि शायद थोड़ा ओवररेटेड है और अगर है तो इंटरनेशनली ओवररेटेड है इसमें कोई शक नहीं कि करिश्मा बहुत रहा है और पूरी दुनिया में रहा है और मैं आपसे इस ओवरऑल होता ही है मैं एक छोटा सा वाक्य आपसे शेयर कर लूं मैं और आयशा जब हमारी शादी हम हनीमून पे थे बाहर थाईलैंड में और वहां पर हम जब एक कर रहे थे वो एक टूर कर रहे थे आयरलैंड पे जा रहे थे तो वहां पर एक ऑस्ट्रेलियन कपल हमारे साथ था तो उनसे हमारी हेलो हाय हुई उन्होंने पूछा कहाँ से हमने कहा पाकिस्तान से उनसे पूछा उन्होंने अपना बताया तो मैंने उसे पूछा मुझे आदत है मैं जब भी बाहर जाता हूँ मैं पूछता हूँ कि व्हाट डू यू नो अबाउट पाकिस्तान तो मैंने वही सवाल उनसे पूछा कि आप पाकिस्तान के बारे में क्या जानते हैं तो खातून जो थी ऑस्ट्रेलिया उसने फौरी तौर पर कहा इमरान खान एंड ही वॉज नॉट द प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम तब वो वजीर आजम नहीं थे इमरान खान साहब तो मैंने कहा कि अच्छा यू नो ऑफ इमरान खान एंड यू नो ऑफ वसीम अकरम का भी किंग ऑफ स्विंग सुल्तान ऑफ स्विंग कहती नो आई डोंट नो हू वसीम अकरम मैंने कहा वकार यूनस नो मैंने कहा शोएब अख्तर नो मैंने कहा वाई इमरान खान ही वॉज एक्सट्रीमली हैंडसम ये जवाब मिला मुझे आई जस्ट थिंक इट्स इंटरेस्टिंग कि मैं अब मेरी 40 साल उम्र हो गई है एंड आई फील लाइक 40 सालों से हम यही सुन रहे हैं इमरान खान हैंडसम 40 साल जब उनकी शादी नहीं हुई थी फिर जब हुई थी फिर जब फिर से हुई थी फिर आई मीन 40 सालों से देयर इज 3 जनरेशंस ऑफ पाकिस्तानी वुमेन जो यही सुनती जा रही है अब ये देखो कि छोटे बच्चे मुझे समझ नहीं आती जो टीनएजर्स हैं अभी तो वो नहीं ही इज नॉट अ प्लेयर एनी मोर नाउ तो जिन्होंने शायद उनकी गेम भी नहीं देखी हुई तो स्पेशली फंड रेजर या जब जलसे होते हैं तो आप यकीन करो मुझे हंसी आती है कि खान साहब के जो फैन क्लब या जो लोग बच्चे के लिए या जो लाइनों में लग गए होते हैं 70s 80s 60s 50s टिल 5-2 ईयर्स यू नो बस वो आपकी बात ठीक है करिश्मा जो अल्लाह की तरफ से अल्लाह की तरफ हाँ गॉड गिफ्टेड हाँ गॉड गिफ्टेड अच्छा और फीमेल मरियम नवाज मरियम नवाज मरियम नवाज इज ऑल्सो गुड लुकिंग वुड यू एग्री विद दैट इत्तेफाक करें देखो इतना पैसा लगा के सियासी इख्तलाफात ये अब आप सियासी कह रहे हैं अच्छा कराएंगे तो हमको परियां दिखेंगी नहीं तो खान साहब ने क्या हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कराया अब आप मरियम नवाज के प्रोसीजर्स तो आपको याद आ गए नहीं आप पहले बिफोर एंड आफ्टर वाली पिक्चर्स यू नो वो सोशल मीडिया से आजकल कुछ छुपा हुआ नहीं है आफ्टर हैविंग सो मेनी प्रोसीजर्स और आप पूरा एक पैकेज हो के पूरे ब्रांड खैर हम भी पहनते हैं बट देखिए वो तो देखिए कि खान साहब ने भी फ्रॉम योर नेल टू यू नो तो बट द पॉइंट इज जो भी है एक एक इंसान की एक शख्सियत है नजर आ रहा है आपको उसे जज करना चाहिए नहीं एहतशाम इसलिए नहीं कि वो हमारी मुखालिफ जमात है उसमें आपकी आप कॉन्फिडेंस शख्सियत होती है खुद की अम्मा अब्बा की अगर मैं आके यहाँ पे बैठ जाऊँ मेरे फादर ही वाज प्राइम मिनिस्टर नहीं मरियम नवाज गुड लुकिंग नहीं है ये मेरे हिसाब से नहीं है वो जो कहना चाह रही है इज दैट स्पेशली जो पब्लिक फिगर्स की जब आप बात करते हो
तो जो आपकी लुक्स होती हैं हैव टू डू देखें जस्टिन ट्रूडो यू नो इज अ गुड लुकिंग पर्सन इमरान खान इज अ गुड लुकिंग पर्सन बट एंड दे हैव करिश्मा लेकिन फर्क बात ये होती है कि जब उनकी जो उन्होंने एज अ पब्लिक फिगर जो आपने किया होता है That adds to your attractiveness. अगर आपने नहीं किया डेविड कैमरन इज नॉट अ बैड लुकिंग पॉलिटिशियन उसने पूरा ब्रिटेन के जो है ना मत मरवा दिया आप किसी भी इंग्लिश पर्सन से पूछोगे कि इससे बदसूरत कोई नहीं है So it really in a public figure it's kind of but वो इतना पहले ही clarify कर चुके थे कि मैं सिर्फ looks की बात कर रहा हूँ सियासी इख्तलाफात को side पे रख के अच्छा एक और आखिरी सवाल आपका favorite singer कौन है मैंने बट फतेह साहब मुझे हर अच्छा सिंगर पसंद है आई एम अ म्यूजिक लवर पर्सन चीमा साहब की और आपकी चॉइस मिलती है बिल्कुल नहीं एक्चुअली जमशेद को म्यूजिक एबीसीडी नो उनको म्यूजिक टेस्ट मैंने पूरी एफर्ट्स की थी उनका डेवलप हो जाए बट नहीं हुआ तो क्या म्यूजिक सुनते नहीं उनको म्यूजिक की वो टेस्ट या वो एक म्यूजिक सेंस वो नहीं है उनकी यानी कि इम्प्रेस इससे लताफत उनकी म्यूजिक वाली उनकी पोएट्री में बहुत अच्छी है लिटरेचर में बुक रीडिंग उनकी बहुत अच्छी है बट म्यूजिक की उनको ना ऐसे कह लो कि बताना पड़ता है कि ये बहुत अच्छी है ना आपका फेवरेट सिंगर कौन है लोकल की इंटरनेशनल है ना आजकल इंटरनेशनल म्यूजिक में बहुत है कौन सा आपका इंटरनेशनल बता दें हाँ ना इंटरनेशनल कौन सा है ना अब अभी सुन भी रही थी यू नो आप सुन रही थी नॉन स्टॉप क्वीन Queen. She loves Freddie Mercury. And yours? Local, I would say, jinki awaaz sabse khoobsurat mujhe lagti hai, ek to Raat Fateh Ali Khan. And then, Abda Parveen is still, mere bachpan se, Abda Parveen, aapko pata. There's nobody that comes to Ji Aisha. Ye dono to hai hi hai, matlab, Nusrat Fateh Ali Khan sahab aur Abda Parveen sahiba, Aatif ki awaaz mujhe bahut unique lagti hai. That's why. आपका कौन सा फेवरेट कौन से सिंगर फेवरेट मेरे फेवरेट सिंगर नुसरत फतेह अली खान साहब तो लेजेंड है और मैं समझता हूँ कि उनका जो सही हक अदा किया शागिर्दी का वो राहत फतेह अली खान ने किया है कि ये नहीं कि सिर्फ रिश्तेदारी थी भतीजे थे इस वजह से उन्होंने अपना हक अदा किया है और मुझे दोनों ही बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन मेरी चॉइसेस थोड़ी सी फ्लक्चुएट करती रहती हैं कभी थोड़ा पॉप वही ना जिनको म्यूजिक पसंद होता है जैसे आतिफ को सुन के हु कैन से के बैड सिंगर गुड बट ये कि जितने वो जिनको फील सुन के आए कि ये रूह की गिजा है बेसिकली ये ज्यादा आज की जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है आखिरी सवाल फिर मैं प्रोग्राम को वाइंड अप कर रहा हूँ क्योंकि लाइट हार्टेड गुफ्तगू इसलिए हम लाइट हार्टेड बातें कर रहे हैं आज की जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है उसमें सबसे बेहतरीन हीरो कौन लगता है अभी का पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री पाकिस्तानी फवाद खान शान भी अच्छी एक्टिंग करता है उसकी एक दो मूवीज बहुत अच्छी थी मैंने खुद देखी और हीरोइन भी बता दें हीरोइंस में माया मेरी फेवरेट माहिरा हाँ, माहिरा खान नहीं नहीं माहिरा खान माहिरा खान ओके सारा इन टर्म्स ऑफ एक्ट्रेसेस सानिया सईद एंड एक्टर्स के लिए आई डोंट थिंक एनीबडी सरपासेस सरमद खोसट सरमद खोसट ओके ओके और आयशा आप भी बता दें मैं बता दूं पक्की बात है मैं बता दूं फवाद इज गुड क्योंकि चॉइसेस आपके पास ऑब्वियसली कम है अगर फिल्म इंडस्ट्री की खास तौर पर बात की जाए तो और माया अच्छी है माहिरा खान भी माया अली भी बहुत अच्छी मेरी मायरा मेरी फेवरेट वो है जी मैं भी बताता चलूं मुझे भी फवाद खान पसंद है अच्छा, और खवातीन में महवेश हयात क्योंकि उन्होंने मुझे खाने पे बुलाया हुआ था इस वजह से नहीं वैसे भी महवेश हयात इज अ वेरी टैलेंटेड एक्ट्रेस और मैं समझता हूँ कि अभी सितारे इम्तियाज भी उन्हें मिला नहीं नहीं सितारा इम्तियाज मिला और आयशा ऊपर से खाने पे बुलाया तो उनसे बेस्ट तो कोई नहीं होगा ना नेचुरली यू नो ये मुझे भी अभी पता चला बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा आपका सारा बिलाल आपका आयशा एहतिशाम आपका उम्मीद है आपको ईद स्पेशल पसंद आया होगा इंशाल्लाह अब रेगुलर प्रोग्राम में करंट अफेयर्स में आपसे मुलाकात होगी अपना बहुत ख्याल रखिए आप सबको एक दफा फिर से बहुत बहुत ईद मुबारक अल्लाह हाफिज़